Hi guys, welcome to An Academy Law. My name is Neha Singh and I'm your educator for CLAT and other law entrance examinations. Aaj ka jo hamara session hai, it's going to be a revision marathon on intellectual property laws. Okay? But before that, for people who have joined my session for the first time, let me just introduce myself. Guys, maine apna LLM kiya hai University of Birmingham se in the year 2020. Maine apna BLLB kiya hai UPS Dehradun se in the year 2019. I was awarded with the Hutt International Legal Scholarship for my LLM in UK. I'm a registered advocate with the Bar Council of India. We pass teaching or mentoring experience here for about 4 years and I'm also a writer, editor and blogger. Like I said, our today's topic of discussion is intellectual property laws. We all know that legal reasoning, we study the topics of tort law, criminal law, constitutional law, and also then there are some other laws जिसको हम miscellaneous laws के अंदर डालते हैं, miscellaneous laws के अंदर हम रखते हैं, और इसके अंदर one of the topics जो है वो होता है intellectual property laws का. ठीक है, we've already discussed इन सारी चीजों को individually. This is just a combined session जहाँ पे हम sort of revision करेंगे हमने जो भी अभी तक discuss किया है intellectual property laws में. ठीक है, so let me just take a moment and say hi to all of you. Hi Archana, hi Krisha, hi Sakshi, good afternoon guys. Hi Shweta, good afternoon. How are you all today? Kaise ho sab? How's your day going so far? Alrighty. So इंडिविजुअली हम क्या क्या डिस्कस करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज में. आज हम डिस्कस करेंगे कॉपीराइट लॉज के बारे में, ट्रेडमार्क लॉज के बारे में, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड लॉज के बारे में और पेटेंट लॉज के बारे में. ठीक है, सो दीज आर द थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज आज. ऑलराइट, हाय अर्चना, हाय गाइज, आई एम गुड. कृषा, थैंक यू फॉर आस्किंग. कृषा कह रही है एको हो रहा है. ओके, आई थिंक ये थोड़ी देर में सॉर्ट आउट हो जाना चाहिए. हाय खुशी, हाय गाइस. ठीक है, सो विदाउट फर्दर अडू शुड वी स्टार्ट विद आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन. हाय ट्राजिक, गुड आफ्टरनून. चलो लेट्स स्टार्ट विद आवर रिवीजन मैराथन. ठीक है, सो इट्स गोइंग टू बी अ स्लाइटली लॉन्गर सेशन अगेन टुडे. सो प्रिपेयर योरसेल्फ्स अकॉर्डिंगली. कुछ खाने पीने के लिए लेके बैठ जाना साथ में. एंड या चलो लेट्स बिगिन आवर सेशन. पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आईपीआर के अंदर वो है कॉपीराइट लॉज का. ठीक है, सो कॉपीराइट लॉज के अंदर सबसे पहली चीज ये होती है कि कॉपीराइट लॉज का या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज का एक्चुअली बेसिक फंडा ये है कि अगर आपने कुछ क्रिएट किया है तो आप उसको ओन करते हो. ठीक है, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपको किसी भी वर्क के ऊपर या किसी भी ऐसी चीज को जिसको आपने क्रिएट किया है वो उसके ऊपर राइट्स आपको इसलिए दिए जाते हैं सो दैट यू कैन स्टॉप एनीवन एल्स फ्रॉम यूजिंग दैट वर्क. राइट, यू कैन स्टॉप एनीवन एल्स फ्रॉम यूजिंग दैट एनीथिंग दैट यू हैव क्रिएटेड. ठीक है, यू डिसाइड व्हाट हैपेंस विद योर वर्क. आप डिसाइड करोगे कि आपको अपने वर्क को बेचना है, कितने में बेचना है, अपने पास रखना है, कुछ नहीं करना उसके साथ, किसी और को आपको राइट्स देने हैं, लाइसेंस करना है. सो यू गेट टू डिसाइड व्हाट हैपेंस विद योर वर्क. ऑल्सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज जो है ये ऐसे लॉज हैं, मतलब ये प्रॉपर्टी राइट्स हैं. लाइक आई सेड, दीज आर प्रॉपर्टी राइट्स. लेकिन ये जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं दीज आर नॉट इन समथिंग जो कि आप देख सकते हैं. ठीक है, सो इट्स नॉट कॉर्पोरियल. ठीक है, इट्स नॉट कॉर्पोरियल, इट्स इनकॉर्पोरियल. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर इनकॉर्पोरियल राइट्स बिकॉज वो ऐसी प्रॉपर्टी पे होता है जिसको आप देख नहीं सकते, जिसको आप टच नहीं कर सकते, जिसको आप फिजिकली फील नहीं कर सकते. सो दीज आर सॉर्ट ऑफ एक यूनिक सॉर्ट ऑफ राइट्स है, इनकॉर्पोरियल राइट्स. और इसके अंदर हम अभी कॉपीराइट देख रहे हैं एंड देन इसके अंदर ट्रेडमार्क भी आता है, डिजाइन भी आता है, पेटेंट भी आता है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी आता है. ठीक है, सो दिस इज बेसिकली अ जनरल इंट्रोडक्शन. इंडिया में कॉपीराइट जो है दैट इज गवर्न्ड बाय द कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957. ठीक है, कॉपीराइट एक्ट ऑफ 1957 जिसको लास्ट 2012 में अमेंड किया गया था बाय द कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2012. ठीक है,
कॉपीराइट में जिन भी चीजों को प्रोटेक्शन मिलता है उनको कहते हैं इन एक अम्ब्रेला टर्म है उसके लिए वर्क्स। ठीक है, अब ये वर्क्स क्या है ये हम एक एक करके देखेंगे। ठीक है, सेक्शन 13 जो है कॉपीराइट एक्ट का वो बताता है कि क्या वर्क्स, वर्क्स के अंदर क्या क्या आता है। वर्क्स के अंदर आ जाता है ओरिजिनल लिटरेरी वर्क, ओरिजिनल ड्रामेटिक वर्क, ओरिजिनल म्यूजिकल वर्क, ओरिजिनल आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमेटोग्राफी फिल्म्स, साउंड रिकॉर्डिंग्स। ठीक है, तो ये सब के सब जो है वर्क के अंदर आते हैं। ठीक है, यहां तक सबको सब समझ में आ रहा है ना? अभी हम बस इंट्रोडक्शन एक कर रहे हैं कॉपीराइट का। यहां तक किसी को भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम? सो लिटरेरी वर्क की जब हम बात करें तो लिटरेरी वर्क में फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई बुक लिखा है, कोई आर्टिकल है, कोई पोयम है, ठीक है, एनीथिंग विच इज लिटरेरी इन नेचर, अगर वो ओरिजिनल है तो वो प्रोटेक्टेड होगा कॉपीराइट लॉज के अंदर। ठीक है, ड्रामेटिक वर्क, अगर कोई कोई थिएटर में कोई प्ले वगैरह है, ठीक है, जो आपने लिखा है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो इसके अंदर प्रोटेक्ट हो जाएंगी। म्यूजिकल वर्क, कोई सॉन्ग है, कोई एल्बम है, ठीक है, ऐसी चीजें जो है वो कॉपीराइट के अंदर प्रोटेक्ट होती हैं। आर्टिस्टिक वर्क, कोई पेंटिंग है, कोई स्कल्पचर है, ठीक है, सो इन चीजों पे आपको प्रोटेक्शन मिलेगा बिकॉज यू हैव क्रिएटेड दैट। सिनेमेटोग्राफी फिल्म्स, मूवीज, सीरीज, ठीक है, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। साउंड रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, सो दीज आर सम थिंग्स विच आर प्रोटेक्टेड अंडर कॉपीराइट लॉज। एंड ऑल्सो एक इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ देखने के लिए ये है कि ये हर जगह पे एक वर्ड यूज हो रहा है ओरिजिनल, ओरिजिनल, ओरिजिनल। ठीक है, सो वट एवर जिस पे भी जिस चीज पे भी आपको कॉपीराइट प्रोटेक्शन चाहिए वो आपका ओरिजिनल वर्क होना चाहिए। ठीक है, वो सबसे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ऑलराइट, तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कि किस तरह के वर्क्स को प्रोटेक्शन मिलता है कॉपीराइट के अंदर। लिटरेरी वर्क जिसमें नॉवेल्स, स्टोरीज, पोएम्स आ जाते हैं, ड्रामेटिक वर्क्स, वर्क्स ऑफ म्यूजिक, सॉन्ग, कोरसेस, ओपराज, ये सब सारी चीजें इसमें आ जाती है, मैप्स, टेक्निकल ड्रॉइंग्स, फोटोग्राफिक वर्क। अच्छा, कोई फोटोग्राफ वगैरह अगर आपने खींचा है उस पर भी आप कॉपीराइट प्रोटेक्शन ले सकते हो। ठीक है, सिनेमेटोग्राफिक वर्क्स, साउंड रिकॉर्डिंग्स, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है इनके इनके ऊपर आप कॉपीराइट का प्रोटेक्शन ले सकते हो। गॉट इट? ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने ऑलरेडी अभी डिस्कस की वो ये है कि जो भी वर्क जिसके भी बारे में हम बात कर रहे हैं वो आपका ओरिजिनल वर्क होना चाहिए। ठीक है, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिटरमाइन कि कोई चीज कॉपीराइटेबल है या नहीं, इट इज बेस्ड ऑन ओरिजिनलिटी। ठीक है, इसका एक एग्जांपल बस मैं ये लेती हूँ, जैसे सपोज अभी आप लोग मेरी बातें सुन रहे हो, ठीक है, सो एक तो आप नोट्स बनाओगे और सपोज आप में से कोई जो है सपोज अपने नोटबुक के पीछे में आप ऐसे मतलब ये स्क्रिबल करते हो कुछ, ठीक है, ये आप स्क्रिबल करते हो कुछ, क्या इस चीज पे आप कॉपीराइट ले सकते हो? क्रिएट आपने ही किया है, इट इज योर वर्क, बट कैन यू क्लेम कॉपीराइट ओवर इट? नो, नहीं कर सकते, है ना? क्यों? क्योंकि पहली चीज तो है कि जो भी वर्क है आपका वो ओरिजिनल होना चाहिए, और दूसरा उसका वर्थ होना चाहिए कॉपी करने लायक। ठीक है, ऑल्सो कॉपीराइट कैन बी ओनली फॉर थिंग्स दैट आर वर्थ कॉपीइंग एंड नॉट अदरवाइज। ठीक है, सो ये ओरिजिनलिटी का एक क्राइटेरिया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू डिटरमाइन वेदर योर वर्क इज कॉपीराइटेबल और नॉट। ठीक है, नेक्स्ट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कॉपीराइट में स्पेसिफिकली आती है, वो है कि कॉपीराइट जो है एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है, सिर्फ आइडिया को प्रोटेक्ट नहीं करता। कहने का क्या मतलब है, जैसे सपोज दिस पर्सन शी इज अ राइटर, सपोज, ठीक है, ये एक राइटर है, इसके दिमाग में एक आइडिया है, ठीक है, शी हैज दिस आइडिया ऑफ अ स्टोरी। ठीक है, अब नाउ अगर इनकी एक स्टोरी जो इनके दिमाग में है, ठीक है, वो उन्होंने सोच रखी है, ठीक है, और फिर क्या होता है कि सपोज एक महीने बाद इनको पता चलता है कि देयर इज दिस अनदर पर्सन वाई जिन्होंने क्या किया है उसी स्टोरी को उन्होंने पब्लिश करा दिया। ठीक है, लेकिन आइडिया इनका था पहले, पब्लिश इन्होंने करा दिया, बट क्या ये जो राइटर हैं क्या ये वाई को कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट के लिए सू कर सकती हैं? कैन शी सू दिस पर्सन वाई फॉर कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट? हैंग ऑन गाइस, जस्ट गिव मी अ सेकंड।
ओके, कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी प्रॉपरली नाउ गाइस? अभी भी लैग है क्या? ट्रैजिक बाकी वीडियोस जो है मिसलेनियस लॉस की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सारी वीडियोस हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉस की. ठीक है, ओके. सो मेरा क्वेश्चन समझ में आया. मेरा क्वेश्चन है कि देयर इज दिस पर्सन, ठीक है, देयर इज दिस लेडी, कुछ भी नाम है इनका, कुछ भी नाम है इनका, एक्सी ले लो भाई, मैं मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाते. देयर इज दिस पर्सन एक्स, ठीक है, शी इज अ राइटर. इनके दिमाग में एक आइडिया है अबाउट अ स्टोरी, ठीक है, और इसी आइडिया पे इस वाई बंदे ने एक बुक पब्लिश कर दी. ठीक है, तो क्या ये जो एक्स है वो वाई को सू कर सकती है बोलते हुए कि ये तो मेरा आइडिया था, आपने मेरा आइडिया चुरा लिया, मेरा कॉपीराइट था इस आइडिया पे? कैन दिस पर्सन डू दैट? कैन एक्स डू दैट? नो, शी कांट. वाई? बिकॉज इनका जो आइडिया था दैट वॉज मेरली एन आइडिया. ठीक है, दैट वॉज मेरली एन आइडिया. अगर उस आइडिया को उन्होंने कहीं पे एक्सप्रेस किया होता, चलो पब्लिश नहीं कराया होता, इनके इस लैपटॉप पे मान के चलो एक ड्राफ्ट में अगर कुछ लिखा होता, ठीक है, उस स्टोरी के बारे में, तो भले ही वो उस पर कॉपीराइट क्लेम कर सकती थी कि ये मेरा आइडिया है, मेरा आइडिया, ये ओरिजिनली मेरा आइडिया है और आपने कॉपी किया है. ठीक है, कहने का मतलब है कि कॉपीराइट जो है वो सिर्फ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट करता है, आइडिया को नहीं. ठीक है, सिर्फ सो एक्सप्रेशन ऑफ एन आइडिया कैन बी प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट. आइडिया मेरली आइडिया कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट. फॉर एन आइडिया टू बी प्रोटेक्टेड उसको किसी ना किसी फॉर्म में एक्सप्रेस करना जरूरी है. ठीक है, भले ही वो एक ड्राफ्ट के फॉर्म में हो या एक प्रॉपर पब्लिश कोई चीज हो, कुछ भी कहीं पे भी उसको आपको एक्सप्रेस करना जरूरी है for you to claim copyright protection उसके ऊपर. ठीक है, और इसी चीज को हम copyright के field में कहते हैं idea versus expression dichotomy. ठीक है, इसी चीज को कहते हैं idea versus expression dichotomy. इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि idea in itself cannot be copyrighted but expression can be copyrighted. ठीक है, नो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो पब्लिकेशन लोगों तक पहुंचना चाहिए. नहीं, वही तो बात है. इट्स जस्ट दैट इट्स योर आइडिया एंड इफ यू हैव एक्सप्रेस्ड इट इन एनी फॉर्म, ठीक है, तो वो आपका वर्क हो जाएगा और उस पर फिर आप कॉपीराइट क्लेम कर सकते हो. गॉट इट गाइस? सो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय आइडिया वर्सेस एक्सप्रेशन डायकोटमी. समझ में आया? एक आइडिया वर्सेस एक एक्सप्रेशन डायकोटमी क्या होती है, ये समझ में आया गाइस? तो ऐसे भारी भरकम वर्ड दे करके मतलब सॉर्ट ऑफ परेशान नहीं होना है. सिंपल सा मतलब होता है आइडिया वर्सेस एक्सप्रेशन डायकोटमी का कि आइडिया इन इटसेल्फ कैन नॉट बी कॉपीराइटेड, सिर्फ एक्सप्रेशन कैन बी कॉपीराइटेड. गॉट इट? एक बार थम्स अप देके बता दो प्लीज इफ यू आर ओके विद व्हाटएवर वी हैव डिस्कस सो फार. अगर आपको समझ में आया है जो भी अभी तक हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, ओके, ऑल राइट. सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑथर एंड ओनरशिप, ऑथरशिप एंड ओनरशिप एंड कॉपीराइट. ठीक है, सबसे पहली चीज ये है कि सेक्शन 17 जो है इस एक्ट का वो बात करता है कि जो ऑथर होता है वही फर्स्ट ओनर होता है. ठीक है, ये बेसिकली सीधे सीधे रिकग्नाइज करता है कि जो ऑथर है उस वर्क का वही फर्स्ट ओनर है. ठीक है, एक सेकंड ट्राजिक, लेट मी सी योर क्वेश्चन. लेट्स से आई ड्रू अ स्केच ऑन माय आईपैड बट इट हैज नॉट रीच्ड एनीवन एंड अ पर्सन बी ड्रॉज द सेम स्केच, देन डू आई हैव द कॉपीराइट? यस यू डू हैव द कॉपीराइट. आपके लिए ना तो उस वर्क को लोगों के सामने पब्लिश करना जरूरी है, ना तो आपको उसके ऊपर कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है. इट्स नॉट मैंडेटरी. ठीक है, जस्ट द फैक्ट कि आपके पास वो चीज कहीं पे एक्सप्रेस्ड है. ठीक है, यू हैव अ प्रूफ टू शो कि ये वर्क आपका है एंड उसके बेसिस पे आप कॉपीराइट के लिए सू कर सकते हो सामने वाले को. ठीक है, कार्टून को कॉपी करता है पर कॉपीराइट ले सकता है. सॉरी साक्षी,
कार्टून को अगर कोई कॉपीराइट हाँ मतलब अगर आप कोई कार्टून को कॉपी करते हो तो जिसका भी ओरिजिनली वो कार्टून है वो आपके ऊपर कॉपीराइट के लिए सू कर सकता है। आई नो मे बी बी का इंटेंशन नहीं होगा कॉपी करने का, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मान के चलो अगर ए जो है वो केस कर देता है कोर्ट में जाके कि ये मेरा वर्क है और बी ने इसको कॉपी किया है, और सपोज ए अगर ये शो कर देता है कि उसका जो वर्क है वो उसने बी के पहले एक्सप्रेस कर दिया था, ठीक है, सो ऑब्वियसली फिर एविडेंसेस के बेसिस पे डिसाइड होगा वेदर बी ने कॉपी किया या नहीं किया। माय पॉइंट वाज कि ए जो है वो अगर दैट पर्सन हैज एक्सप्रेस्ड देयर वर्क कहीं पे भी, ठीक है, भले ही उन्होंने उसको पब्लिश किया हो नहीं किया हो, इफ दे हैव इट एक्सप्रेस्ड समवेयर तो ऑन दैट बेसिस वो कॉपीराइट के लिए सू कर सकते हैं सामने वाले पे, ठीक है। सो सेक्शन 17 जो है कॉपीराइट एक्ट का वो बात करता है कि वो सीधे सबसे पहली चीज ये देखता है कि जो ऑथर है वही फर्स्ट ओनर है, ठीक है, सो द सेक्शन 17 ऑफ द एक्ट रिकॉग्नाइजेस कि ऑथर इज द फर्स्ट ओनर। अब आप बोलोगे कि हाँ तो मतलब ये तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जो ऑथर है वही ओनर होगा, राइट, इज इट दैट ऑब्वियस कि जो ऑथर है वही ओनर होगा, या कैन बी देयर एनी कैन देयर बी एनी अदर सर्कमस्टेंस जहां पे जो ऑथर है वो ओनर नहीं भी हो सकता है। कार्तिक के अभी हम आएंगे ट्रेडमार्क पे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कॉपीराइट और ट्रेडमार्क में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो यस सेक्शन 17 जो है वो ये देखता है, सबसे पहले वो ये रिकॉग्नाइज करता है कि जो ऑथर है वही फर्स्ट ओनर है, ठीक है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ऑथर है वही ओनर हो, हर सिचुएशन में ये जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसका मैंने कल जब पेटेंट में पढ़ा रही थी तभी भी मैंने एग्जाम्पल दिया था कि सपोज कोई एम्प्लॉयर है, कोई एम्प्लॉयर है जिसके मतलब जिसके अंडर में एक एम्प्लॉई ने मान के चलो कोई वर्क क्रिएट किया है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो यहाँ पे सपोज एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई के बीच में अगर कोई अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट ऐसा साइन हुआ है कि एम्प्लॉई जो भी क्रिएट करेगा उसका कॉपीराइट किसके पास होगा, एम्प्लॉयर के पास, ठीक है, तो यहाँ पे ऑथर कौन है, एम्प्लॉई, लेकिन ओनर कौन है, एम्प्लॉयर, ठीक है, सो ऐसे भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, बट दीज आर बट प्राइमा फेसाई सबसे पहले जो है सेक्शन 17 ऑफ द इंडियन कॉपीराइट एक्ट ये रिकॉग्नाइज करता है कि जो ऑथर है वही फर्स्ट ओनर होगा, विच स्टेट्स दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट द ऑथर ऑफ अ वर्क शैल बी द फर्स्ट ओनर ऑफ द कॉपीराइट देयर, जो ऑथर है वही फर्स्ट ओनर होगा कॉपीराइट का, ठीक है, इन केस ऑफ लिटरेरी या ड्रामेटिक कॉम्पोजिशन वो ऑथर होगा, म्यूजिकल वर्क में वो म्यूजिशियन होगा, क्रिएटिव वर्क अगर है तो उसका आर्टिस्ट उसका फर्स्ट ओनर होगा, फोटोग्राफिक वर्क है तो उसका आर्टिस्ट उसका फर्स्ट ओनर होगा, सिनेमेटोग्राफिक या रिकॉर्डिंग वर्क है तो उसका प्रोड्यूसर उसका फर्स्ट ओनर होगा, ठीक है, अगर कोई कोई भी ऐसा वर्क है तो जो भी उसका ऑथर है जो भी उसका क्रिएटर है वो उसका फर्स्ट ओनर माना जाएगा, ठीक है। हाउएवर ये जैसा मैंने बताया कि वेयर द वर्क इज मेड बाय द ऑथर इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट in the course of his employment under a contract of service or apprenticeship for the purpose the employer shall in the absence of any agreement to the contrary be the first owner of the copyright in the work in so far as the copyright relates to the publication of the work reproduction वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, सो कभी भी अगर कोई author जो है उसने अगर किसी course of employment में या किसी contract के अंदर उसने अगर कोई work किया है उसने अगर कोई work create किया है तो उसके लिए उसका owner कौन होगा, उसका employer, ठीक है, उसका एम्प्लॉयर उसका फर्स्ट ओनर होगा अनलेस कि कोई अग्रीमेंट इनके बीच हुई हो टू द कॉन्ट्री, ठीक है, अगर अनलेस कि इनके बीच अलग से कोई अग्रीमेंट हुई हो जिसमें कि ये बात स्पेसिफिकली लिख दिया गया हो कि नहीं नहीं जो एम्प्लॉई है उसी के पास सारे राइट्स होंगे वही कॉपीराइट ओनर होगा वगैरह वगैरह, बट जनरली ऐसा होता है कि अगर कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अगर ऑथर ने कोई वर्क क्रिएट किया है तो उसका ओनर जो है वो उसका एम्प्लॉयर होता है, ठीक है, got it? 4 बजे तक आई थिंक हाँ 3-3:30 बजे तक तो जरूर चलेगी जैसा मेरा अनुमान है, 4 बजे तक मतलब मैं कोशिश करूंगी 4 बजे से पहले रैप अप कर देने का। केस एग्जाम्पल अभी बताती हूँ, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक अभी रिसेंटली नहीं एक्चुअली ये बहुत पुराना एक केस है, सो टेलर स्विफ्ट द सिंगर, यू नो द सिंगर, राइट, टेलर स्विफ्ट
कोई सॉन्ग बताएगा मुझे टेलर स्विफ्ट के, एक दो। गुड। मैं वेट कर रही हूँ, बताओ मुझे टेलर स्विफ्ट के कुछ सॉन्ग्स बताओ। लव स्टोरी, ब्लैंक स्पेस, एग्जैक्टली, ठीक है। सो टेलर स्विफ्ट जब इनिशियली व्हेन शी हैड स्टार्टेड इन हर करियर, तो जिस भी प्रोडक्शन लेबल के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना, वो प्रोडक्शन लेबल जो है उन्होंने सारे के सारे, मतलब हर तरह का राइट उन्होंने अपने पास रखा था, ठीक है। सो वो टेलर स्विफ्ट के सॉन्ग्स थे, टेलर स्विफ्ट की लिरिक्स थी, उनका म्यूजिक था, सब कुछ उनका था, लेकिन ओनरशिप किसके पास थी, इस प्रोडक्शन लेबल के पास थी जो कि उनके सॉन्ग्स को रिलीज करता है, ठीक है। सो ये इनिशियल इन हर करियर, आई थिंक इन 2006-2007 शी हैड एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद दिस प्रोडक्शन लेबल, और ये कॉन्ट्रैक्ट कुछ 10 साल के लिए था, ठीक है। सो कुछ 2017-2018 में जाकर के टेलर स्विफ्ट और उस प्रोडक्शन लेबल का कॉन्ट्रैक्ट एंड हो गया है, और अभी वो किसी और प्रोडक्शन लेबल के साथ काम करती हैं। बट शुरू के जो 10 साल थे, उस शुरू के 10 साल में उन्होंने जितने भी एल्बम्स निकाले हैं सबका, मतलब टेलर स्विफ्ट को कुछ ऑब्वियसली कुछ रॉयल्टी मिलती थी, लेकिन बहुत ज्यादा हद तक कंट्रोल और ओनरशिप जो है वो उस प्रोडक्शन लेबल के पास था, ठीक है। इसलिए इफ यू गाइज नो और डोंट नो, आई डोंट नो, बट अभी इस साल टेलर स्विफ्ट हैज स्टार्टेड री रिलीजिंग हर एल्बम्स, ठीक है। पुराने एल्बम्स उन्होंने री रिलीज करना शुरू कर दिया है। डू यू गाइज नो अबाउट दैट? आई थिंक लव स्टोरी उन्होंने री रिलीज की, उसके बाद फियरलेस एल्बम उन्होंने री रिलीज किया। सो यस, शी हैज स्टार्टेड री रिलीजिंग हर एल्बम्स, ठीक है। सो व्हाई हैज शी स्टार्टेड री रिलीजिंग हर एल्बम्स इज बिकॉज, चूंकि इन दोनों के बीच का जो अग्रीमेंट है वो खत्म हो गया है, और उसके बाद मतलब नाउ टेलर स्विफ्ट हैज द राइट्स, नाउ टेलर स्विफ्ट वांटेड ऑल द राइट्स बैक, ठीक है। जो भी उनके राइट्स थे उन सॉन्ग्स पे वो वापस लेना चाहती थी, लेकिन एक बहुत ही मतलब टाइम से लॉ सूट चल रहा था, और कोई उसका मतलब कोई उसके उनके फेवर में कोई डिसीजन नहीं आ रहा था। सो व्हाट शी डिड वाज, उन्होंने उनका जो नया प्रोडक्शन लेबल है उसके अंदर में उन्होंने वापस से सारे सॉन्ग्स को रिकॉर्ड करके री रिलीज कर दिया, ठीक है। अब री रिलीज कर दिया तो एक चीज होती है मास्टर रिकॉर्डिंग्स, ठीक है। मास्टर रिकॉर्डिंग्स बेसिकली क्या होते हैं, जिसमें जैसे मान के चलो अगर टेलर स्विफ्ट के कोई सॉन्ग्स मान के चलो किसी मूवी में या किसी एड में यूज हो रहे हैं ना, तो वो जो मूवी या एड वाले जो सॉन्ग यूज करेंगे वो ये मास्टर रिकॉर्डिंग्स को यूज करके करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये मास्टर रिकॉर्डिंग्स का ओनरशिप इस प्रोडक्शन लेबल के पास था, एंड टेलर स्विफ्ट वांटेड कि ये मास्टर रिकॉर्डिंग्स का जो ओनरशिप है वो उनको मिल जाए, लेकिन ये हो नहीं रहा था। तो टेलर स्विफ्ट ने क्या किया कि सारे के सारे सॉन्ग्स को री रिलीज कर दिया, ताकि जो नए सॉन्ग्स है उनकी मास्टर रिकॉर्डिंग टेलर स्विफ्ट के नाम पे हो जाए, ठीक है। सो बाय डूइंग दिस नाउ टेलर स्विफ्ट इज एनकरेजिंग कि जिस भी मूवी में, जिस भी एड वगैरह में अगर किसी को उनके सॉन्ग्स यूज करने हैं तो वो ये री रिलीज वर्जन यूज करके यूज करें मास्टर रिकॉर्डिंग्स का। समझ में आया? मतलब उन्होंने दोबारा से पूरा एल्बम उन्होंने रिकॉर्ड किया है और वापस से रिलीज कर दिया है। अभी आई थिंक नवंबर में एक और एल्बम उनका शायद रेड रिलीज होने वाली है, इफ आई एम नॉट गेटिंग इट रॉन्ग, बट या। तो ये पूरी कहानी है। समझ में आ रहे हैं? कंफ्यूज हो गए? सुनने में सब बिल्कुल सेम है, सब बिल्कुल सेम है, मतलब वही ऑब्वियसली वो उनकी जो भी सॉन्ग, जो भी लिरिक्स, जो भी था, जो भी म्यूजिक था, सेम चीज है। बट जस्ट द फैक्ट कि वो इस प्रोडक्शन लेबल के अंदर के जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो तो उस प्रोडक्शन लेबल के पास ही हैं, वो टेलर स्विफ्ट को मिले नहीं आफ्टर द लॉ सूट। तो इन ऑर्डर टू सॉर्ट ऑफ फाइंड, मतलब लूपहोल कह सकते हैं, लूपहोल फाइंड करके उन्होंने क्या किया कि खुद से वो सारे सॉन्ग्स को दोबारा रिकॉर्ड किया और वापस से अपने नाम के अंदर रिलीज कर दिया, सो दैट अब जो नए सॉन्ग्स हैं उनकी मास्टर रिकॉर्डिंग टेलर स्विफ्ट के पास खुद है, ठीक है। तो अब अगर कोई मूवी वगैरह में, कोई एड वगैरह में या कहीं पे भी अगर कोई टेलर स्विफ्ट के उन सॉन्ग्स को यूज करना चाहेगा,
तो टेलर स्विफ्ट विल बी लाइक कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग द प्रीवियस मास्टर रिकॉर्डिंग्स जिसकी ओनरशिप प्रोडक्शन लेबल के पास है, आप मेरी वाली री रिलीज सॉन्ग्स यूज करो क्योंकि उसकी मास्टर रिकॉर्डिंग इनके पास है, तो जो भी बेनिफिट्स होंगे वो टेलर स्विफ्ट को जाएंगे, पहले प्रोडक्शन लेबल को जाते थे। ठीक है, क्योंकि मास्टर रिकॉर्डिंग जिसके भी पास होती है, अब कोई भी मूवी में एड में अगर वो सॉन्ग यूज करना है तो पहले उनको परमिशन लेनी पड़ेगी मास्टर रिकॉर्डिंग यूज करने की, और ये परमिशन पहले कौन देता था? प्रोडक्शन लेबल। परमिशन भी प्रोडक्शन लेबल देता था और उससे जो मॉनेटरी बेनिफिट है वो भी प्रोडक्शन लेबल को मिलता था। ठीक है, टेलर स्विफ्ट को नहीं मिलता था एंड इसीलिए पूरा लॉसूट चल रहा था, बिकॉज शी वॉज लाइक ये मेरे सॉन्ग्स है एंड आई शुड बी दी ओनर ऑफ माई सॉन्ग्स, बट द प्रोडक्शन लेबल वॉज लाइक बट आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था 10 साल पहले उसमें आपने इस चीज पे अग्री किया है। ठीक है, तो ये पूरा बहुत टाइम से ये पूरा सूट चल रहा था। अब अभी इसीलिए मतलब सॉर्ट ऑफ टू एक ऑल्टरनेट उसका सॉल्यूशन ढूंढते हुए व्हाट टेलर स्विफ्ट हैज डन इज शी हैज री रिकॉर्डेड ऑल हर सॉन्ग्स एंड नाउ शी हैज री रिलीज्ड ऑल हर सॉन्ग्स अंडर हर नेम, सो दैट जो मास्टर रिकॉर्डिंग्स हैं वो सारी की सारी अब उसकी ओनरशिप कौन किसके पास है? टेलर स्विफ्ट के पास खुद है। ठीक है, तो अब अगर कोई भी चाहेगा तो उसको टेलर स्विफ्ट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी और दूसरी चीज की जो भी रॉयल्टीज वगैरह है वो भी टेलर स्विफ्ट को मिलेगी। ठीक है, मैंने रीमिक्स बनाई थी एक सॉन्ग की, उसका क्लेम एक कॉपीराइट लेके बैठी है। अगर आप रीमिक्स करना चाहते थे किसी सॉन्ग को तो मतलब द करेक्ट वे टू डू इट इज कि अगर इफ़ यू वॉन्ट टू यूज कोई ऐसा सॉन्ग जो कि पब्लिक डोमेन में नहीं है तो वॉट यू डू इज यू पहले टेक परमिशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पब्लिक कंपनी और पर्सन जिसका भी वो सॉन्ग है एंड देन यू गो अहेड विद इट। ठीक है, अगर आप वो नहीं करते हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे कॉपीराइट क्लेम कर सकते हैं। एनीवे ये एग्जाम्पल मैं इसलिए देना चाह रही थी कि दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ एन एम्प्लॉयर और समबडी जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो ओनर हो सकता है आपके वर्क का, इवन इफ दैट वर्क हैज बीन क्रिएटेड बाय यू, इवन इफ आप उसके ऑथर हो फिर भी कैसे इफ यू आर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट विद एनी, अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आपने किसी और को राइट्स दे रखे हैं तो कैसे वो आपके आपके वर्क का ओनरशिप उनके पास हो सकता है, जा सकता है। ठीक है, समझ में आया गाइस? ट्रैजिक, आई नो, आई अंडरस्टैंड। तभी जैसे फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं कोई पिक्चर भी यूज करती हूँ कहीं अपने साइट्स में तो आई ऑलवेज गिव पिक्चर क्रेडिट्स क्योंकि मेरे को झंझट चाहिए ही नहीं। ठीक है, सो एक्चुअली दैट्स द करेक्ट वे टू गो अबाउट इट। जहां से भी आप अगर कुछ कॉपी आपको करना ही है तो गिव देम प्रॉपर क्रेडिट्स। ठीक है, एनीवे ये समझ में आया गाइस कि कैसे ओनरशिप और ऑथरशिप दो चीजें होती हैं, और पहली चीज ये होती है कि जो एक्ट है कॉपीराइट एक्ट वो यही मानता है कि जो ऑथर है वही फर्स्ट ओनर है उसका उस पर्टिकुलर वर्क का। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में या किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर कोई काम किया है किसी ऑथर ने तो उसकी ओनरशिप जो है वो प्रॉबेबली उसके एम्प्लॉयर या जिसके भी साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके पास चली जाती है। सो ऐसा हमेशा जरूरी नहीं है कि जो ऑथर है वही ओनर होगा। सो ओनरशिप एंड ऑथरशिप आर टू डिफरेंट थिंग्स। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब जो ओनर है किसी भी वर्क का उसके राइट्स क्या होते हैं? जो ओनर है किसी भी वर्क का उसके राइट्स क्या होते हैं? उसके पास रिप्रोडक्शन राइट्स होते हैं, यानी कि जो भी वर्क है उसको रिप्रोड्यूस करने का राइट, यानी कि कितनी कॉपीज बनेंगी उसकी, हाँ मतलब जो भी वर्क है उसका अगर मल्टीपल कॉपीज बनाना है तो उसका राइट उस ओनर के पास होगा। ठीक है, कॉपीराइट कन्फर्स अपॉन द असेसी द सोल राइट टू रिप्रोड्यूस द ऑथर्ड वर्क। इन अदर वर्ड्स, नो अदर पर्सन एक्सेप्ट द ऑथर शैल मेक कॉपीज ऑफ द वर्क और कॉपी सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द वर्क इन एनी फॉर्म, चाहे वो साउंड हो, फिल्म रिकॉर्डिंग हो और मतलब बुक हो, कोई भी चीज उसके कॉपीज बनाने का काम या राइट किसके पास है? ओनर के पास है। कोई और जो है ना तो पूरा कॉपी कर सकता है उस पर्टिकुलर वर्क को, ना तो सब्सटेंशियल पार्ट उसका कॉपी कर सकता है।
ठीक है, विदाउट द परमिशन ऑफ द कॉपीराइट ओनर, बिना कॉपीराइट ओनर के परमिशन के नोबडी कैन मेक कॉपीज, चाहे पूरी तरह से या फिर सब्सटेंशियल तरीके से कोई कॉपी नहीं कर सकता अनलेस दे हैव द परमिशन ऑफ द कॉपीराइट ओनर. फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन बाइज अ फिल्म सीडी एंड द पर्सन मेक्स मल्टीपल कॉपीज ऑफ इट एंड सेल्स इट टू अदर्स, दिस वुड अमाउंट टू कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट, पायरेसी बेसिकली. ठीक है, पायरेसी आई मीन आई डोंट नो अभी के टाइम पे आई डोंट थिंक इतना है, बट मतलब अभी तो टॉरेंट वगैरह से काम चल जाता है, बट देयर वाज अ टाइम जब हम 20 रुपीज में एक डीवीडी लेके आते थे और उसमें 5 मूवीज होती थी. ठीक है, सो ये जो वो करते थे वो क्या करते थे, पायरेसी करते थे, वो क्या करते थे, कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट करते थे. ठीक है, सो ये जो रिप्रोडक्शन का राइट है वो ओनर का होता है. यस ट्रैजिक, एग्जैक्टली. Taylor Swift could not have copied her own songs and could not have used her own songs without the permission of the production label. और ये actually possible इसलिए हुआ क्योंकि उनका जो contract था उसमें एक term था जो कि मतलब ऐसा कुछ था कि जब आपका album release होने के बाद कुछ 5 साल या 7 साल ऐसे कुछ expire हो जाते हैं तब आप उसको मतलब यूज कर सकते हो या तब आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हो, ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट टर्म था. तो तभी जब एक एक करके उनके पुराने एल्बम्स के का वो टाइम एक्सपायर जैसे जैसे करता जा रहा है, शी इज री रिलीजिंग हर एल्बम्स अपने नाम में, अपने नाम के अंदर. ठीक है, सो यस, रिप्रोडक्शन का जो राइट है वो ओनर का होता है. दूसरी चीज कम्युनिकेशन, communication of any work, communication to the public means making any work available to general public, iska bhi right kiske paas hota hai, owner ke paas hota hai. theek hai, so the owner can decide whether and how they want to make their work how they want to communicate their work to the public. theek hai, so it is not necessary that any member of public actively sees, hears or otherwise enjoys the work so made available. aisa zaruri nahi ki logon ka dekhna sunna zaruri hai, it's just that that thing should be made public, that thing should be made accessible to the public if they want to see it. ठीक है, for example, a cable operator may transmit a cinematographic film which no member of the public might have seen. अब cable operator कई बार ये होता था, cable TV का जब time था, मतलब अब तो हम वो DTH service वगैरह ज़्यादा use करते हैं, but जब cable channels वगैरह ज़्यादा थे उस time पे क्या होता था कि एक दो ऐसे channels आते थे जिसपे कोई नई नई मूवीज वो टेलीकास्ट कर देते थे केबल ऑपरेटर्स. ठीक है, तो यहाँ अब वो मूवीज को भले ही अगर कोई देख नहीं रहा हो, ठीक है, लेकिन तो भी इट विल कम अंडर कम्युनिकेशन टू द पब्लिक और उन केबल ऑपरेटर्स को कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट के अंदर सू किया जा सकता था. ठीक है, क्योंकि जो वर्क है उसको कम्युनिकेट करने का भी राइट किसका है, ओनर का. ठीक है, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता. गॉट इट, ये समझ में आ रहा है गाइस? अभी तक हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं, कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो प्लीज. ठीक है, उसके बाद अडैप्टेशंस का. अडैप्टेशन यानी कि मान के चलो अगर कोई बुक है उसको किसी मूवी में अडैप्ट करना है, कोई मूवी है उसको एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में अडैप्ट करना है, इसका भी राइट किसके पास होता है, ओनर के पास होता है. और वो ओनर जो है वो राइट अगर किसी को देगा तभी सामने वाला उसको अडैप्ट कर सकता है. ट्रैजिक नहीं, अभी इसमें हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आई विल कम अप विद अनदर सेशन जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, सो अडैप्टेशन. अब जैसे मान के चलो हैरी पॉटर की जो बुक्स है उस पर जो मूवीज बनी है वो वार्नर ब्रदर्स जिन्होंने वो मूवीज बनाई है वो सीधे सीधे नहीं बना सकते थे अनलेस जेके राउलिंग जो है वो उसकी परमिशन दे दे. ठीक है, सिमिलरली लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या और भी ऐसी जितनी भी बुक्स हैं जिन पे मूवीज बनी है उनके अडैप्टेशन तभी बनते हैं जब ऑथर जो है वो उसके लिए अग्री कर जाते हैं. ठीक है, जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स, जैसे कि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, जैसे कि फॉल्ट इन आवर स्टार्स, जैसे देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स. ठीक है, सो कभी भी जो अडैप्टेशन का जो राइट होता है वो भी ओनर के पास होता है और कोई और अगर अडैप्ट करना चाहता है तो उसको ओनर से परमिशन लेनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू अडैप्ट. ठीक है, सो द कॉपीराइट डिफाइंस द फॉलोइंग एक्ट्स एज अडैप्टेशंस, कन्वर्जन ऑफ अ ड्रामेटिक वर्क इनटू नॉन ड्रामेटिक वर्क. अगर किसी मूवी को बुक में कन्वर्ट करना हो फॉर अ चेंज,
ठीक है, या फिर अगर किसी मूवी किसी बुक को कन्वर्ट करना हो, किसी मूवी में लिटरेरी वर्क को अगर ड्रामेटिक वर्क में कन्वर्ट करना हो, रीअरेंजमेंट ऑफ अ लिटरेरी और ड्रामेटिक वर्क, डिपिक्शन इन अ कॉमिक फॉर्म थ्रू पिक्चर्स ऑफ अ लिटरेरी और ड्रामेटिक वर्क, कोई नॉवेल है उसको अगर कोई कॉमिक फॉर्म में अडैप्ट करना चाहे, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ अ म्यूजिकल वर्क और एनी एक्ट इन्वॉल्विंग रीअरेंजमेंट और ऑल्टरेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग वर्क. सो ये जो है कुछ चीजें हैं जो कि अडैप्टेशन के अंदर आती हैं और इसका राइट किसके पास होता है, ओनर के पास होता है. लाइफ ऑफ कॉपीराइट क्या है? इंडिया में लाइफ ऑफ कॉपीराइट जो है इट इज लाइफ प्लस 60 इयर्स इन इंडिया. लाइफ यानी लाइफ ऑफ ऑथर, लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 60 इयर्स, ठीक है, ये होता है लाइफ ऑफ कॉपीराइट इन इंडिया. ठीक है, चाहे वो ओरिजिनल लिटरेरी ड्रामेटिक म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क हो, 60 इयर्स लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 60 इयर्स. ठीक है, उसके बाद अगर मान के चलो अगर पोस्ट ह्यूमस वर्क हो, यानी कोई ऐसा वर्क जो कि उस ऑथर की डेथ के बाद अगर पब्लिश हुआ हो, तो इन दैट केस 60 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिमाइज ऑफ द ऑथर. ठीक है, सो फोटोग्राफ्स के भी केसेस में 60 इयर्स, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स के भी केसेस में 60 इयर्स. सो हर एक केस में लाइफ ऑफ कॉपीराइट क्या होता है? लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 60 इयर्स. यस ट्रेजिक, यस यू विल हैव राइट ऑन इट 60 इयर्स आफ्टर यू डाई. फॉर एग्जांपल देयर इज अनदर केस जो मैंने पढ़ा था, थोड़ा टाइम हो गया ऑल्दो, बट शर्लॉक होम्स. ठीक है, शर्लॉक होम्स की जो स्टोरीज थी वो कब लिखी गई है, मतलब 1880s, लास्ट 1880s में लिखी गई है. ठीक है, 1880s से लेकर के कुछ 1930s तक आर्थर कॉनन डॉयल ने स्टोरीज पब्लिश की हैं शर्लॉक होम्स की. ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली आई थिंक अभी जब ये मूवी आई थी इनोला होम्स, हैव यू गाइस हर्ड ऑफ इट, नेटफ्लिक्स पे है इनोला होम्स. सो ये जब मूवी आई थी तो इसमें शर्लॉक होम्स का जो कैरेक्टर था उसके बारे में कुछ बात उठी थी. ठीक है, सो शर्लॉक होम्स का जो कैरेक्टर है, जब अर्ली 1880s से जो लिखा गया था शर्लॉक होम्स की स्टोरीज में, तो शर्लॉक होम्स का जो कैरेक्टर था वो बहुत ही मतलब ऐसा था जिसको सिर्फ अपने काम से मतलब है, उसको ज्यादा मतलब वो फीलिंग्स वगैरह ज्यादा उसको नहीं थी, बस अपना काम करना है और बस दैट्स इट, एंड अपनी अपनी जिंदगी में मस्त है. ठीक है, सो ऐसा कैरेक्टर था. एंड देन लेटर 1920s से 30s के बीच में जो स्टोरीज लिखी गई थी उसमें जो है शर्लॉक होम्स को थोड़ा सा सेंसिटिव सा कैरेक्टर बताया गया था. ठीक है, सो यहाँ पे जब शर्लॉक होम्स की बुक्स पे या स्टोरीज पे जब इतने सारे अडैप्टेशन हो चुके हैं अभी तक, ठीक है, तो बहुत सारी जो स्टोरीज है वो तो अब पब्लिक डोमेन में चली गई है. ठीक है, बिकॉज सी कितनी पुरानी स्टोरीज है, 1880s की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो बहुत सारी स्टोरीज तो पब्लिक डोमेन में चली गई है, तो उनको तो सीधे सीधे अडैप्ट किया जा सकता है क्योंकि अब उसमें किसी का कॉपीराइट रहा नहीं. लेकिन कुछ ऐसी स्टोरीज जो कि लेट 1920s में रिलीज हुई थी, 1925-26 वगैरह में जो स्टोरीज रिलीज हुई थी, तो केस ये हुआ था कि शर्लॉक होम्स के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लेट 1920s से, जो उनको थोड़ा सा सेंटिमेंटल टाइप का कैरेक्टर थोड़ा सा बना दिया गया था, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स उनमें लेट की स्टोरीज में आए थे. और इस अडाप्टेशन के टाइम पे, इनोला होम्स वाले अडाप्टेशन के टाइम पे इन्होंने परमिशन नहीं ली थी, जिसके पास भी कॉपीराइट है शर्लॉक होम्स की, कि उससे उन्होंने परमिशन नहीं ली थी. और रीजन यही था कि अब तो ये पब्लिक डोमेन में है, हमें परमिशन लेने की क्या जरूरत है, अब तो इसको कोई भी यूज कर सकता है. बट जो कॉपीराइट ओनर्स हैं उन्होंने ये बोला कि आप अगर मतलब 1920s तक की अगर की स्टोरीज पे अगर आप अडैप्टेशन बनाते तो समझ में आता, लेकिन आपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाए हैं वो तब के हैं जो वो ऐसे वर्क्स के हैं जो जिसपे अभी भी कॉपीराइट एग्जिस्ट करता है. ठीक है, आने वाले कुछ 5-10 साल में इस पे भी कॉपीराइट एग्जिस्ट करना बंद कर जाएगा, बट अभी फिलहाल इस पे भी कॉपीराइट एग्जिस्ट करता है. तो अगर आप इन स्टोरी से इंस्पिरेशन लेकर के अगर आप अडैप्टेशन कर रहे हो तो आपको अभी भी कॉपीराइट मतलब परमिशन आपको लेनी पड़ेगी. समझ में आ रहा है गाइस? मैं बहुत ज्यादा रेफरेंसेस दे रही हूँ क्या? मैं आपको कंफ्यूज तो नहीं कर रही? अगर ए ओनर ओरली अथॉरिटी देता है बी को, फिर कह देता है मैंने नहीं कहा, तो बी के पास एविडेंस नहीं रहेगा. हाँ, मतलब ऑब्वियसली इट्स ऑब्वियसली ऑलवेज एडवाइजेबल, इट्स नॉट मैंडेटरी, लेकिन इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि जो भी अगर आप इस तरह की अगर आपसे आपकी किसी के साथ अग्रीमेंट हो रही हो तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि वो रिटर्न में हो.
Yes, it okay. Trazik ne bola it doesn't align with personal right of person dies with the person. Yes, matlab sort of 60 years actually. Yes, life plus 60 years तक आपका right होता है उस particular work में. और जो ये maxim है ना कि right of person dies with that person, मतलब ये बहुत एक तो बहुत limited use है इस particular maxim का. ठीक है, कई बार बहुत सारे ऐसे contractual relationships भी होते हैं जिसमें कई बार even after the death of the person जो legal representative है वो दे टेक ओवर. ठीक है, तो एनी विच वे उस पर्टिकुलर मैक्सिम का यूज बहुत लिमिटेड है. तो सिमिलरली यहाँ पे भी आफ्टर द लाइफ ऑफ ऑथर जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है, चाहे उनके एयर हुए या फिर कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनका राइट हो जाता है उस वर्क के ऊपर. ठीक है, एनीवे ये समझ में आया. ये मैंने जो सारा शर्लॉक होम्स का जो मैंने पूरा एग्जांपल दिया कि जो पहले की कहानियां हैं वो पब्लिक डोमेन में, बट जो बाद की कहानियां हैं जिनपे अभी भी कुछ 5-10 साल ऐसे है कि राइट एक्सटेंड कर रहा है, जो कॉपीराइट ओनर्स हैं उनका राइट अभी भी एक्सटेंड हो रहा है उस पे, तो उस वर्क को अडेप्ट करने के लिए या उसका यूज करने के लिए आपको अभी भी वो कॉपीराइट ओनर से परमिशन लेनी पड़ेगी. हाउएवर जो पहले के वर्क है जो ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में जा चुके हैं उनके लिए आपको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो हर किसी के यूज के लिए ओपन है. उस पे मैं आप कोई भी मूवी वगैरह बना सकता है बिकॉज दे आर इन द पब्लिक डोमेन नाउ. इज दिस क्लियर गाइस? साक्षी, हाँ वही तो मैं कह रही हूँ, लाइफ ऑफ ऑथर प्लस 60 इयर्स तक कॉपीराइट रहता है. समझ में आया गाइस? आगे बढ़िए. अब जो भी ओनर है कॉपीराइट का उसके पास राइट है कि वो किसको लाइसेंस कर सकता है और किसको असाइन कर सकता है राइट्स. ठीक है, तो ये ऑब्वियसली द कॉपीराइट ओनर आल्सो हैज अ राइट टू लाइसेंस और ट्रांसफर सम ऑफ और सम और ऑल ऑफ देयर राइट्स टू एक्सप्लॉइट हिज वर्क फॉर मॉनेटरी बेनिफिट्स. ठीक है, सो ये राइट भी किसके पास होता है? कॉपीराइट ओनर के पास होता है. ठीक है, अब ये मुझसे किसी ने पूछा राइट कि क्या कॉपी, अच्छा पहली चीज कि रिटन में अग्रीमेंट होना हमारे इंडिया में ओरल अग्रीमेंट से उतने ही वैलिड है, बट ऑब्वियसली इट्स एडवाइस कि आप उसको रिटन में रखो जो भी अग्रीमेंट है राइट. सिमिलरली मैंने ये ऑलरेडी बताया कि कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन भी नेसेसरी नहीं है. इफ यू हैव क्रिएटेड अ वर्क तो आप उसका मतलब फॉर्मली जाके कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन कराओ ऐसा नेसेसरी नहीं है, लेकिन ऐसा एडवाइस किया जाता है कि आप उसको रजिस्टर करो. क्यों? बिकॉज वही मतलब वो प्राइमर फेसाई वो प्रूफ की तरह काम करता है राइट, वो एविडेंस की तरह काम करता है. सो आपको पहले अगर आप किसी के ऊपर केस करते हो तो आपको पहले ये नहीं प्रूव करना पड़ेगा कि वो वर्क आपका है. आप अगर केस करते हो तो लॉ ये प्रिज्यूम करेगा बिकॉज आपने रजिस्टर करवा लिया है अपना कॉपीराइट, लॉ विल प्रिज्यूम कि ये जो वर्क है वो आपका ही है. एंड देन यूल हैव टू जस्ट प्रूव कि सामने वाला जो है आपका कॉपीराइट इन्फ्रिंज कर रहा है. ठीक है, तो वो एक स्टेप जो होता है कि प्रूव करने का कि ये काम मेरा है वो हट जाता है इफ यू रजिस्टर योर कॉपीराइट. सो दैट एक्चुअली मेक्स योर वर्क अ लिटिल बिट इजियर. एंड यस, तो वो कोर्ट जो है वो प्रिज्यूम कर लेता है और बर्डन ऑफ प्रूफ जो है आपका बस इतना रह जाता है कि यू हैव टू प्रूव कि सामने वाले ने आपका काम इन्फ्रिंज किया है. ठीक है श्वेता, आफ्टर 60 इयर्स एनीवन कैन टेक अथॉरिटी ऑफ हिज कॉपीराइट. आफ्टर 60 इयर्स एवरीबडी हैज अथॉरिटी. आफ्टर 60 इयर्स एवरीबडी हैज अथॉरिटी बिकॉज दैट वर्क गोज इनटू द पब्लिक डोमेन. ठीक है, पब्लिक डोमेन में जाने का मतलब ही है कि अब उसको कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी यूज कर सकता है. ठीक है गाइस, सो वही तो कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है लेकिन इट्स एडवाइजेबल कि आप उसको रजिस्टर करो सो दैट. कैन यू प्लीज स्टॉप क्रिएटिंग न्यूसेंस ऑन द चैट यहाँ पे. अंशुल, मनमोहन, प्लीज स्टॉप दैट. हाँ तो इट्स नॉट रजिस्ट्रेशन इज नॉट नेसेसरी लेकिन इट्स एडवाइजेबल कि आप उसको रजिस्टर करवा लो बिकॉज दैट विल एक्ट एज अ प्राइमा फेसाई एविडेंस कि वो जो वर्क है वो आपका ही है एंड देन यू जस्ट हैव टू प्रूव कि सामने वाला आपके राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है. ठीक है,
जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ऑल राइट ठीक है, तो ये समझ में आया गाइस. कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन क्या है, क्यों है, नेसेसरी है, नहीं है, ये समझ में आया? ठीक है, अभी हम इसकी रेमेडीज वगैरह के बारे में बात करेंगे कि अगर कोई इन्फ्रिंज करता है तो कैसे इन्फ्रिंज करेगा और उसके लिए रेमेडीज क्या अवेलेबल होती है. बट बिफोर दैट लेट मी जस्ट वॉक यू थ्रू अनअकैडमी प्लस और उसके फीचर्स के बारे में. गाइज, इफ यू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस, यू गेट एन ऑप्शन टू रेज अ हैंड एंड टॉक टू एजुकेटर्स इन लाइव सेशंस. यू कैन ऑल्सो लॉन्च अ क्विज, यू कैन यू गेट एक्सेस टू लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस एनी टाइम एनीवेयर. यू गेट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट ऑफ एजुकेटर्स एंड एनएलयू एलुमनाई. यू गेट एक्सेस टू वीकली इवेंट्स जैसे नो योर एग्जाम, टॉप स्ट्रेटजीज, एनुअल एक्सपीरियंसेस बाय फैकल्टी एटसेट्रा. यू गेट एक्सेस टू नेशनल मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट. अगर आप क्लैट एमएससीटी और ब्लैट 2022 के एस्पिरेंट हो तो हम आपके लिए एब्सोल्यूट लॉ 2.0 नाम का बैच लेके आ रहे हैं. 29 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, एक साल का बैच है ये. इसमें आपको रेज़ हैंड का फीचर मिलेगा, लाइव वॉइस सॉल्यूशंस मिलेंगे बाय टॉप एजुकेटर्स, 15 प्लस एडिशनल मॉक टेस्ट और वीकली सेक्शन टेस्ट मिलेंगे, मंथली करंट अफेयर्स और जीके का कंपेंडियम मिलेगा. इसमें आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पढ़ाएंगे मिस्टर अनुज अग्रवाल, इंग्लिश पढ़ाएंगे मिस सृष्टि घोष, लीगल रीजनिंग पढ़ाएंगे मिस्टर राघवेंद्र प्रताप, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाएंगे मिस ऋचा पांडे और जनरल अवेयरनेस पढ़ाएंगे मिस निधि ध्रुव. अगर आप क्लैट 2022 के एस्पिरेंट्स हो एंड यू आर समबडी हु इज टेकिंग क्लैट अगेन, तो आपके लिए हम रैंक बूस्टर रिपीटर्स बैच कोर्स लेके आ रहे हैं. ये 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, एक साल का बैच है ये. इसमें भी आपको वो सारे फीचर्स मिलेंगे जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किए. इसमें आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पढ़ाएंगे मिस्टर अंशुल वाधवा, इंग्लिश पढ़ाएंगे मिस आयुषी राजपूत, लीगल रीजनिंग पढ़ाएंगे मिस निधि ध्रुव, लॉजिकल रीजनिंग पढ़ाएंगे मिस्टर प्रियांशु जैन और जनरल अवेयरनेस पढ़ाएंगे मिस्टर प्रशांत पांडे. गाइस, अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो कॉस्ट 28,000 रुपीज, एक साल का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट 19,250 रुपीज, एक महीने का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट 3,500 रुपीज. सो यू कैन चूज व्हाटएवर सब्सक्रिप्शन वर्क्स बेस्ट फॉर यू. और इन प्राइसेस पे अगर आप मेरा कोड यूज करते हो, लॉयर आप मेरा कोड है, तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा. लॉयर ऑफ मेरा एक कोड इसलिए है बिकॉज इट्स इंस्पायर्ड बाय द फ्रेज सूट अप. सूट अप का मतलब होता है टू गेट रेडी. सो व्हेन आई से लॉयर अप, आई वांट यू गाइस टू गेट रेडी टू बिकम लॉयर्स. ऑलराइट गाइस, ओके, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. 1 अक्टूबर से देयर इज गोइंग टू बी अ 20% प्राइस हाइक इन अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन प्राइसेस. सो जो 2 साल का सब्सक्रिप्शन आपको 28,000 का मिल रहा था वो 33,600 का मिलेगा, एक साल का सब्सक्रिप्शन आपको अब 23,100 का मिलेगा, एक महीने का सब्सक्रिप्शन आपको 4,200 का मिलेगा. सो गाइस, इफ यू आर स्टिल थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ प्लस का सब्सक्रिप्शन, तो आई हाईली 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 रिकमेंड की 1 अक्टूबर से पहले कर लो सो दैट यू कैन अवेल द पुराना प्राइसेस. Because obviously money saving is important, और उस पर भी if you use my code तो आपको 10% का additional discount भी मिलेगा. So if you want to take a subscription, please take it now before 1 October. इसके अलावा we also come up with a live quiz feature जहाँ पे you can either host a quiz and ask your friends to join, or you can join a live quiz that is scheduled by educators. हर Saturday सुबह 11 बजे अनअकैडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट होता है. उसके अलावा वीकली T20 टेस्ट भी होते हैं हर दिन. ये 20 मिनट्स का टेस्ट है, 20 क्वेश्चन फॉर 20 मार्क्स. एवरी डे अलग अलग सब्जेक्ट का टेस्ट होता है. दिस टेस्ट इज ओपन फॉर एवरीवन. एंड
देयर इज ऑल्सो बग्स बाउंटी फीचर दैट वी हैव इंट्रोड्यूस्ड, जहां पे इफ यू फाइंड कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट किसी भी वीडियो में तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो. इफ यू आर द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट अ पर्टिकुलर इशू, यू कैन गेन अ प्राइज दैट एन एकेडमी हैज फॉर यू. और अगर आपको कुछ डिटेल्स जाननी है तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो. लास्टली प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कमेंट करके लेट अस नो इफ यू लाइक आवर वीडियोस, डिसलाइक आवर वीडियोस, इफ यू वांट अस टू चेंज समथिंग, एनीथिंग, कोई भी कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, बिकॉज़ वी आर ऑलवेज हियर टू लिसन एंड इंप्रूव. एंड लास्टली प्लीज लाइक कर देना इस वीडियो को, शेयर कर देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है. ठीक है, सो यस, हाय रुद्र, गुड आफ्टरनून. चलो, सो कमिंग बैक टू आवर डिस्कशन ऑन कॉपीराइट, अगर इन्फ्रिंजमेंट होता है तो उसके लिए क्या रेमेडीज अवेलेबल है. इन्फ्रिंजमेंट का क्या मतलब है, अगर कोई इंटेंशनली या अनइंटेंशनली सपोज किसी दूसरे के वर्क को कॉपी करता है, या फिर उसका एक सब्सटैंशियल पोर्शन भी अगर वो कॉपी करता है, तो जिसका भी वो वर्क है वो उसके ऊपर इन्फ्रिंजमेंट के लिए केस कर सकता है. अगर कोई करता है इन्फ्रिंज, तो जो कॉपीराइट ओनर है उसके पास सिविल रेमेडीज भी अवेलेबल होती है और क्रिमिनल रेमेडीज भी अवेलेबल होती है. सिविल रेमेडीज जैसे कि इंजंक्शन, यानी आप सामने वाले को रोक सकते हो आपका कॉपीराइटेड वर्क यूज करने से. जो भी प्रॉफिट हुआ है सामने वाले को, वो आप खुद के वो आप कह सकते हो कि मुझे रिटर्न करो क्योंकि वो मेरा काम था. कॉम्पेंसेशन, अगर आपको कोई और तरह का कॉम्पेंसेशन चाहिए तो वो आप क्लेम कर सकते हो. तो ऐसी सिविल रेमेडीज अवेलेबल होती हैं. या फिर अगर आप चाहते हो सामने वाले को इम्प्रिजनमेंट हो या फिर उसको फाइन देना पड़े, तो आपको क्रिमिनल रेमेडीज भी अवेलेबल है. ठीक है, सो सिविल रेमेडीज जो है वो सेक्शन 55 ऑफ कॉपीराइट एक्ट में दिया हुआ है, जिसमें पहली चीज वही मैंने बताई, इंटरलोक्यूटरी इंजंक्शन, यानी टू स्टॉप समबडी एल्स फ्रॉम यूजिंग योर प्रॉपर्टी. आप ये इंजंक्शन जो है सामने, आप कोर्ट में जाकर के उस इंसान के अगेंस्ट इंजंक्शन ले सकते हो. क्योंकि कोर्ट जो है वो इंजंक्शन देने के पहले तीन चीजें देखता है. पहला कि क्या प्राइमा फेसाई केस है या नहीं, यानी कि जो ओनर जिसने अप्रोच किया है कोर्ट को, क्या कोर्ट को ऐसा लगता है कि वो ओनर सच में ओनर है, क्या सच में उसके पास राइट है. ठीक है, तो ये चीज जो है सबसे पहले कोर्ट ये देखेगा. दूसरी चीज कोर्ट ये देखेगा कि बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस किस तरफ टिल्ट कर रहा है. बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस का मतलब कि दोनों पार्टीज में से ज्यादा लॉस किसको होगा अगर ये इंजंक्शन ग्रांट कर दिया जाए. ठीक है, और तीसरी चीज ये देखेगा कोर्ट कि क्या इंजंक्शन ग्रांट नहीं करने से किसी एक पार्टी को इररिपेरेबल इंजरी हो सकती है. तो ये तीनों चीजें कोर्ट विल टेक इनटू कंसिडरेशन बिफोर ग्रांटिंग एन इंजंक्शन. ठीक है, समझ में आया गाइस, कोई कंफ्यूजन यहां पे? इफ यू प्लीज आंसर देके बता दो किसी तरह की कंफ्यूजन, कुछ भी यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन, एनीथिंग. तो ये सिविल रेमेडीज अवेलेबल है. ठीक है, उसके अलावा कुछ पेक्यूनरी रेमेडीज, जहां पे आप अकाउंट ऑफ प्रॉफिट, जो भी सामने वाले को, जो भी अगर दैट पर्सन हैज मेड एनी प्रॉफिट और एनीथिंग, तो वो आप उससे सीख कर सकते हो कि जो भी आपको हुआ है प्रॉफिट वो उसका अकाउंट आप मुझे रिटर्न करो बिकॉज मेरा वर्क कॉपी करके आपको प्रॉफिट हुआ है. ठीक है, दूसरी चीज किसी भी तरह का कॉम्पेंसेटरी डैमेज, ठीक है, वो आप ले सकते हो. उसके बाद कॉन्वर्सेशनल डैमेज. सो पेक्यूनरी रेमेडीज यानी मॉनेटरी फॉर्म में आप रेमेडीज जो है ले सकते हैं सामने वाले से. ठीक है, उसके बाद ओके, देयर इज दिस थिंग, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बट मारवा इंजंक्शन, एंटन फिलर ऑर्डर और जॉन डो ऑर्डर, ये तीनों जो है ये काइंड ऑफ इंजंक्शन ही है. ठीक है, ये काइंड ऑफ इंजंक्शन ही है, तीनों का काम अलग अलग होता है. मारवा इंजंक्शन में क्या होता है कि आप जो डिफेंडेंट है, जो सामने वाला है, वो आप उसको सिर्फ आपके कॉपीराइटेड वर्क को यूज करने से नहीं रोकते. ठीक है, यू डोंट जस्ट गेट इंजंक्शन अगेंस्ट देम यूजिंग योर कॉपीराइटेड वर्क, आप सामने वाले को अपने एसेट्स भी डिस्पोज करने से इंजंक्शन लेते हो. ठीक है, आप ये इंजंक्शन लेकर के क्या होता है कि आप उस डिफेंडेंट को रोक सकते हो अपने एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करने से. क्योंकि अगर सपोज अगर आपका क्लेम सही है, अगर आप वो केस जीत जाते हो, तो ऑब्वियसली आपको फिर कॉम्पेंसेशन चाहिए, राइट? और अगर वो डिफेंडेंट अपना एसेट्स डिस्पोज कर देगा तो वो आपको कॉम्पेंसेशन कहां से देगा. ठीक है, सो इसीलिए आप सामने वाले को रोकते हो अपने एसेट्स को डिस्पोज करने से, सो दैट आपको आपका कॉम्पेंसेशन या आपको आपकी रेमेडीज मिल सके. ये एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंजंक्शन है, इसको मारवा इंजंक्शन कहते हैं. ठीक है, उसके बाद एंटन पिलर ऑर्डर, ये होता है कि
कि दिस ऑर्डर इज पास टू टेक इनटू पोजेशन द इंफ्रिंज्ड डॉक्यूमेंट्स कॉपीज. अच्छा यहाँ पे क्या होता है कि एक ऑर्डर आप लेते हो ताकि आप डिफेंडेंट के पास जो भी मतलब जो भी कॉपीराइटेड वर्क है आपका, ठीक है, जो भी चीजें जितनी भी डॉक्यूमेंट्स जो भी कॉपीज उसके पास जो भी कॉपीराइटेड आपका जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है उसके पास, उसका पोजेशन लेने के लिए आप ये ऑर्डर लेते हो कोर्ट से. एंडन पिलर ऑर्डर. पेक्यूनरी मतलब मॉनेटरी साक्षी, ठीक है. डिस्पोज ऑफ करने का मतलब है कि अगर सपोज वो अपनी प्रॉपर्टी को किसी और के नाम कर दे या कुछ भी किसी भी तरह से वो उस प्रॉपर्टी से अपना हाथ झाड़ ले ताकि कल को अगर वो केस हार जाए तो वो आपको कॉम्पेंसेशन ना दे पाए, ठीक है. तो ये करने से आप रोक सकते हो सामने वाली पार्टी को मारे बाय इंजंक्शन लेकर के. एंटन पिलर ऑर्डर का मतलब है ये ऑर्डर आप लेते हो कोर्ट से और फिर आप डिफेंडेंट के पास जितनी भी कॉपीड मटेरियल जो आपका जितना भी कॉपीड मटेरियल जो भी है उसके पास उसका पोजेशन आप ले सकते हो अगर आप ये ऑर्डर लेते हो कोर्ट से, ठीक है. उसके बाद जॉन डो ऑर्डर. जॉन डो ऑर्डर बेसिकली एक इट्स अगेन अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ इंजंक्शन जहां पे आपको पता नहीं है कि आपका कॉपीराइट वायलेट किया किसने, ठीक है. देयर इज दिस एनोनिमस पर्सन हु इज वायलेटिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ ओनर और उसको आप जब सूट फाइल करते हो आपको पता नहीं है कि वो कौन है, ठीक है. तो ये जो जॉन डो ऑर्डर है ये सॉर्ट ऑफ एक अम्ब्रेला इंजंक्शन की तरह काम करता है, ठीक है. ये आप ऑर्डर लेते हो कोर्ट से टू प्रोटेक्ट योर वर्क फ्रॉम कोई भी जो भी आपके काम को इंफ्रिंज कर रहा है और आपको अभी पता नहीं है, ठीक है. तो उसके लिए आप ये जॉन डो ऑर्डर लेते हो. इफ यू डू नॉट नो हु इज एक्चुअली इंफ्रिंजिंग योर कॉपीराइट्स बट यू वॉन्ट टू स्टॉप देम हूएवर इट इज, ठीक है. तो इसलिए आप एक अम्ब्रेला सॉर्ट ऑफ इंजंक्शन ऑर्डर ये होता है जहां पे कोई भी अगर आपके राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है उसके अगेंस्ट वो ऑर्डर मतलब उसके अगेंस्ट आपको वो ऑर्डर प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है. श्वेता वो क्यों करेगा, ताकि उसको सामने वाले को पैसे ना देने पड़े, ताकि उसको सामने वाले को कॉम्पेंसेशन ना देना पड़े. और डिस्पोजिंग का क्या मतलब है, ऐसा नहीं कि मतलब किसी और के नाम, इन द सेंस की बहुत सारे तरीके होते हैं ना, मतलब मान के चलो शेयर स्टॉक्स कुछ इलीगली कुछ इधर उधर पैसे लगा दिए, किसी जान पहचान के नाम पे किसी इंसान पे के नाम पे ट्रांसफर कर दिया, देयर आर लॉट ऑफ वेज इन व्हिच यू कैन डिस्पोज ऑफ योर एसेट्स, राइट. सो इन ऑर्डर टू स्टॉप द सामने वाला पर्सन फ्रॉम डूइंग दैट यू टेक अ मारे बाय इंजंक्शन, ठीक है. श्वेता मतलब ओके एक काम करो, इंजंक्शन क्या होता है आपको समझ में आ गया. इंजंक्शन आप ले सकते हो अगर आपका कॉपीराइट वायलेट हो रहा है, आप पेक्यूनरी रेमेडीज ले सकते हो, ठीक है. इंजंक्शन इज सामने वाले को रोकना. अब इसी में हमने अलग अलग काइंड्स ऑफ इंजंक्शन पढ़े, चलो इसमें डिटेल में मत जाओ, ठीक है. बट injunction is basically when you stop the other person from either using your copyrighted material, infringed material, या फिर you stop them from doing anything जिसकी वजह से आपको compensation कल को मिलने में किसी भी तरह का problem हो, ठीक है. तो ये injunction है, you stop the other person from doing something. pecuniary remedies is कि जहाँ पे आप monetary relief लेते हो, ठीक है. मॉनेटरी रिलीफ लेते हो आप बिकॉज ऑफ वो जो भी आपको लॉस हुआ है या आपका चूंकि राइट है और सामने वाले ने आपका राइट इन्फ्रिंज किया है तो उसके बेसिस पे आप मॉनेटरी रिलीफ लेते हो. अब उससे आप प्रॉफिट्स लो, उससे आप कॉम्पनसेशन लो, तो किसी भी तरह का आप मॉनेटरी रिलीफ लेते हो, ठीक है. ये दूसरी तरह की रेमेडी अवेलेबल है. उसके अलावा क्रिमिनल रेमेडीज भी अवेलेबल है, यानी सेक्शन 63 ऑफ कॉपीराइट एक्ट जो है वो कहता है कि अगर कोई इन्फ्रिंज करता है आपके कॉपीराइट को तो उसको 6 महीने से लेकर के 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और उसको फाइन देना पड़ेगा 50,000 से 2,00,000 के बीच में, ठीक है. सो क्रिमिनल रेमेडीज भी अवेलेबल है इन केस ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, ठीक है. उसके अलावा ऑब्वियसली जो भी कॉपीराइटेड गुड्स है उनको सर्च और सीज कर लिया जाएगा और जो भी कॉपीराइटेड गुड्स है उनको डिलीवर कर दिया जाएगा ओनर के पास. और अगर कोई रिपीट ऑफेंडर है, अगर कोई बार बार कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट करता है तो ये पनिशमेंट जो है वो बढ़ जाएगी, 6 महीने मिनिमम जो था वो 1 साल मिनिमम हो जाएगा और 50,000 जो मिनिमम था वो 1,00,000 मिनिमम हो जाएगा, ठीक है. सो हाईएस्ट पनिशमेंट उतनी ही रहेगी लेकिन ये जो मिनिमम पनिशमेंट है ये रिपीट ऑफेंडर के केस में बढ़ जाएगा.
समझ में आया गाइस, क्रिमिनल रेमेडीज, ये समझ में आया? एक बार प्लीज थम्स अप देके बता दो। आई थिंक विद दैट वी हैव कंप्लीटेड, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड कॉपीराइट। बस एक छोटी सी चीज है डिस्कस करने की कि कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं कॉपीराइट में, ठीक है? अगर आप किसी का वर्क जो है वो कॉपी कर रहे हो, लेकिन इफ इट फॉल्स अंडर दिस एक्सेप्शन, व्हाट इज दिस एक्सेप्शन? ये एक्सेप्शन है फेयर डीलिंग का। सेक्शन 52 ऑफ कॉपीराइट एक्ट टॉक्स अबाउट फेयर डीलिंग, ठीक है? यहाँ पे अगर आप सपोज किसी और का काम यूज कर रहे हो अपने प्राइवेट या पर्सनल यूज के लिए, रिसर्च के लिए, ठीक है, क्रिटिसिज्म के लिए, रिव्यू के लिए, अगर आप उसको यूज करना चाहते हो लेक्चर्स के लिए, अगर आप मतलब अगर आप उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हो किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में, ठीक है, किसी लेजिस्लेचर के किसी प्रोसीडिंग में अगर आप उसको उसको रिप्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है, सो ऐसे कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे इवन इफ यू यूज somebody's work without their permission, तो it will come under fair dealing, और fair dealing जो है ये है एक exception of copyright infringement। ठीक है, unliquidated damages होंगे ना, क्योंकि यहाँ पे दोनों parties के बीच में थोड़े ना पहले से decided है कि कितना fine और कितना compensation देना है, ये दोनों parties के बीच में decided तो है नहीं, court decide करेगा, right? इसलिए वो लिक्विडेटेड नहीं होगा, अनलिक्विडेटेड होगा। Got it guys? So ऐसे कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर आप उसको रिसर्च के लिए, क्रिटिसिज्म के लिए, लेक्चर्स के लिए, जुडिशियल प्रोसीडिंग के लिए, लेजिस्लेचर की प्रोसीडिंग के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अगर आप उसको यूज कर रहे हो, नॉट फॉर बेसिकली कमर्शियल पर्पस, आइदर फॉर एजुकेशनल पर्पस और एनी अदर पर्पस विच इज नॉट कमर्शियल पर्पस, अगर आप यूज कर रहे हो किसी और के कॉपीराइटेड वर्क को बिना उनके परमिशन के भी, तो भी वो कॉपीराइट इंफ्रिंजमेंट के अंदर नहीं आएगा, बिकॉज इट विल कम अंडर फेयर डीलिंग। ठीक है, वो मिनिमम है कार्तिक, है ना, 50,000 से लेकर के 2,00,000 तक का फाइन है, वो कितना होगा वो कोर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है, चलो, सो यस, विद दैट वी हैव फिनिश्ड कॉपीराइट लॉ। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रेडमार्क के साथ। ठीक है, ट्रेडमार्क गाइस, जो भी मुझसे पूछ रहा था कॉपीराइट और ट्रेडमार्क में अंतर क्या होता है, आई थिंक दिस पिक्चर शुड गिव यू सम आइडिया कि कॉपीराइट क्या होता था और ट्रेडमार्क क्या होता है। ट्रेडमार्क जो है, इट इज एनी सिंबल, इट इज एनी लोगो, सिंबल, वर्ड, कलर्स, ठीक है, एनी रिप्रेजेंटेशन जिससे कि आप किसी एक गुड्स को या किसी एक प्रोडक्ट को किसी और प्रोडक्ट से डिस्टिंग्विश कर सको। ठीक है, अब ये जैसे कोलगेट, ये कोलगेट का ट्रेडमार्क है, ये एप्पल का ट्रेडमार्क है, सैमसंग का ट्रेडमार्क है। ठीक है, वी कम अक्रॉस लाइक हंड्रेड्स ऑफ ट्रेडमार्क्स हमारे दिन भर में। ठीक है, हम सुबह उठ के कोलगेट की टूथपेस्ट से हमने ब्रश किया, अपना फोन उठाया, हमने यूट्यूब चलाया, यूट्यूब पे हमने अनअकैडमी लॉ खोला, अनअकैडमी का अपना एक ट्रेडमार्क है, आपने स्विगी से कुछ खाना मंगाया, ठीक है, आपने मैगडी से मंगाया कुछ, बर्गर किंग, सबका अपना अपना ट्रेडमार्क है, कैडबरी, गूगल, सो दैट यू डिस्टिंग्विश एक प्रोडक्ट फ्रॉम अनदर प्रोडक्ट। ट्रेडमार्क पे कॉपीराइट क्लेम कैसे हो सकता है कार्तिकी? ट्रेडमार्क पे ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट का केस होगा, कॉपीराइट इज कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। कॉपीराइट इज समथिंग जो आप किसी आर्टिस्टिक, म्यूजिकल, क्या था, आर्टिस्टिक वर्क, म्यूजिकल वर्क, देयर वर फोर, आई एम सॉरी, मेरे दिमाग से उधर रहा है, आई एम रियली सॉरी, लेट मी जस्ट गो बैक टू दैट, आई जस्ट रिवाइज इट फॉर यू। It has to be original literary work, musical work, creative work, photographic work. It has to be aisa work for it to be copyrighted. ठीक है, और ट्रेडमार्क जो है, it is simply एक सिंबल, एक लोगो जो कि डिस्टिंग्विश करता है एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ। It's completely different. ठीक है, आप सैमसंग के ऊपर कॉपीराइट क्लेम नहीं करोगे ना, ये तो ट्रेडमार्क है। It's not work. कॉपीराइट में वर्क प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, वर्क, अब वो लिटरेरी हो, चाहे म्यूजिकल हो, चाहे वो ड्रामेटिक हो, वर्क प्रोटेक्टेड होता है। ठीक है, ट्रेडमार्क में सिंबल्स
या फिर जो लोगो है, जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है, वो प्रोटेक्टेड होता है. अब अमेज़न का जैसे फॉर एग्जांपल, अमेज़न का एक पर्टिकुलर तरीका है अमेज़न लिखने का, एक पर्टिकुलर फॉन्ट में लिखा है जिसमें ए से जेड तक ये एरो जा रहे हैं, तो ये अमेज़न का ट्रेडमार्क है. ठीक है, गूगल में ये जो पहला लेटर ब्लू है, दूसरा रेड है, येलो है, ये जो है पूरा विजुअल रिप्रेजेंटेशन, ये गूगल का ट्रेडमार्क है. ठीक है, बर्गर किंग, जिस तरह से इन्होंने बर्गर किंग लिख रखा है, ये उनका ट्रेडमार्क है. ठीक है, पिज्जा हट, एप्पल विद दिस वन कॉर्नर गायब, ठीक है, तो ये एप्पल का ट्रेडमार्क है. सो दिस इज समथिंग विच इज यूनिक टू अ पर्टिकुलर ब्रांड, विच सॉर्ट ऑफ हेल्प्स अ कंज्यूमर डिस्टिंग्विश बिटवीन टू प्रोडक्ट्स, एंड ऑल्सो इट हेल्प्स द प्रोड्यूसर कि कोई और जो है वो उनके नाम पे प्रॉफिट ना कर ले. ठीक है, समझ में आया गाइस? कॉपीराइट ट्रेडमार्क इज गिवन ऑन लेटर, वर्ड्स, कलर एटसेट्रा. श्वेता, नॉट नेसेसरीली जो ट्रेडमार्क है वो उस वर्ड पे भी तो मिलता है ना. अब जैसे मान के चलो बर्गर किंग की जगह अगर मान के चलो किसी ने बर्गर सिंह नाम से एक फ्रेंचाइजी खोल दी, तो क्या बर्गर किंग वाले उसके ऊपर केस नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं. सो इट्स कॉपीराइट, सॉरी, ट्रेडमार्क कैन बी ऑन दैट वर्ड. कॉपीराइट, ट्रेडमार्क कैन बी ऑन दैट वर्ड, ट्रेडमार्क कैन बी ऑन द रिप्रेजेंटेशन, ट्रेडमार्क कैन बी ऑन द कलर, एनीथिंग विच डिस्टिंग्विशेस वन ब्रांड फ्रॉम अनदर ब्रांड, उस पर ट्रेडमार्क लिया जा सकता है. ठीक है, समझ में आया गाइस? सो ट्रेडमार्क जो है इट इज अ डिस्टिंक्ट सिंबल, लोगो, वर्ड या मल्टीपल वर्ड्स दैट आर लीगली रजिस्टर्ड और एस्टैब्लिश्ड थ्रू देयर यूज एज रिप्रेजेंटिंग अ कंपनी और प्रोडक्ट ब्रांड. तो ये कोई भी ऐसा डिस्टिंक्ट सिंबल है, लोगो है, वर्ड है, मल्टीपल वर्ड्स है, जिनको या तो लीगली रजिस्टर कर दिया गया है, या फिर उसको मतलब वो एस्टैब्लिश्ड है बिकॉज ऑफ इट्स यूज, कि दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स दिस पर्टिकुलर कंपनी और दिस पर्टिकुलर ब्रांड. ठीक है, ये ट्रेडमार्क जो है ये ब्रांड नेम को प्रोटेक्ट करता है, लोगोस को प्रोटेक्ट करता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर. ठीक है, सो ट्रेडमार्क में क्या है कि ट्रेडमार्क का प्राइमरी पर्पस ये है ताकि कंज्यूमर्स जो है वो रिकॉग्नाइज कर सके एक पर्टिकुलर ब्रांड को. ठीक है, पहली चीज यही है कि टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स फ्रॉम बींग मिसलेड. ठीक है, अब रीबॉक के जूते की जगह अगर कोई रीबुक का जूता बेच रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, कंज्यूमर्स के मिसलेड होने के चांसेस है, कंज्यूमर्स में भी रिकॉग्नाइज नहीं करें कि ओरिजिनल ब्रांड कौन सा है. ठीक है, सो टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स, इसलिए ये ट्रेडमार्क का कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है. एंड सेकेंडली ऑल्सो टू प्रोटेक्ट द कंपनी और उसका जो प्रॉफिट, या जो भी सपोज अगर कोई और उसके ट्रेडमार्क को यूज करके, अगर कोई उसके गुडविल को यूज करके फ्री राइड करना चाहे अपने रेप्यूटेशन, अपने मतलब अपने प्रॉफिट के लिए. ठीक है, किसी और का गुडविल, किसी और का नाम यूज करके अगर कोई फ्री राइड करना चाहे उसके उसके प्रोडक्ट्स के साथ, ठीक है, तो उस कंपनी को भी ऐसे प्रैक्टिस से बचाने के लिए ट्रेडमार्क का कॉन्सेप्ट जो है वो इम्पॉर्टेंट है. आया समझ में गाइस? कोलगेट और डाबर रेड दोनों सेम प्रोडक्ट बनता है तो कंज्यूमर डिवाइड हो जाएगा ना. जैसे अब जो कंज्यूमर है, क्योंकि कोलगेट और डाबर दोनों इतने टाइम से दे आर इन द मार्केट, कि जो कंज्यूमर है दे हैव सॉर्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड कि डाबर मतलब डाबर लिखने का एक तरीका है, कोलगेट लिखने का एक तरीका है, दोनों प्रोडक्ट्स का मतलब जो प्रोडक्ट है वो भी डिफरेंट है. ठीक है, सो मतलब मे बी देर आर सम चांसेस, लेकिन अगर डाबर और कोलगेट की बात करें तो दोनों इतने टाइम से एस्टैब्लिश्ड है मार्केट में कि द कंज्यूमर्स रिकॉग्नाइज. ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है ट्रेडमार्क क्या है, और कंफ्यूज मत होना ट्रेडमार्क और कॉपीराइट के बीच में, बिल्कुल ही दो अलग चीजें हैं. ठीक है, कोई बुक है उसके ऊपर आपका कॉपीराइट होगा, कोई सॉन्ग है उसके ऊपर आपका कॉपीराइट होगा, कोई मूवी है उसके ऊपर आपका कॉपीराइट होगा. ठीक है, लेकिन अगर कोई ब्रांड है, कोई गुड्स एंड सर्विसेज ऐसे हैं, ठीक है, कोई गुड्स एंड सर्विसेज है, कोई ब्रांड है उसके उस मतलब उसको अगर डिस्टिंक्ट करने के लिए कोई लोगो बना रखा है उसके ऊपर आपका ट्रेड
ट्रेडमार्क होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देर आर सम वेज जब जिस तरह से कॉपीराइट, सॉरी मैं कंफ्यूज हो रही हूँ, मैं कंफ्यूज नहीं हो रही, मतलब मेरे दिमाग पे कॉपीराइट चढ़ा हुआ, इतनी देर से हम कॉपीराइट पढ़ रहे थे। तो ट्रेडमार्क कैसे इन्फ्रिंज किया जाता है उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब डोमिनोज पिज्जा की जगह किसी ने ए डोमिनो पिज्जा शुरू कर दिया, पिज्जा हट की जगह किसी ने पिज्जा हॉट शुरू कर दिया। ठीक है, ये डव का जो मतलब जिस तरह से ये डेव लिखा है, जिस तरह की इसकी पैकेजिंग है, ये देख के समझ में आ रहा है कि सामने वाला इंसान जो है वो सॉर्ट ऑफ कंफ्यूज करना चाह रहा है कंज्यूमर्स को, राइट? देख के समझ में आ रहा है। कोलगेट की जगह किसी ने कूलगेट शुरू कर दिया, या स्टारबक्स कॉफी, ये किसी ने सनबक्स कॉफी के नाम से कुछ शुरू कर दिया। ठीक है, इसको अगर आप एक नजर में देखो तो आपको स्टारबक्स ही लगेगा, अनलेस यू लुक वेरी क्लोजली। ठीक है, ये ओरियो की जगह किसी ने बोरियो नाम से कुछ शुरू कर दिया। सो यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो सामने वाला जो भी है वो सीधा सीधा कॉपी करके कंज्यूमर को मिसलीड करना चाह रहा है, और इस पर्टिकुलर डव के या स्टारबक्स के रेप्यूटेशन पे वो अपना फायदा करना चाह रहा है। ठीक है, सो ये सारे जो केसेस हैं ये कॉपीराइट, अगेन कॉपीराइट, ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के अंदर आ जाएंगे। समझ में आया गाइस? इज दिस क्लियर? प्लीज थम्स अप देके बता दो, प्लीज थम्स अप देके बता दो दिस इज क्लियर। समझ में आ रहा है? डेफिनेटली जो पिक्चर्स मैंने यहाँ यूज किए हैं, मतलब अगर इनको पता चल जाएगा, स्टारबक्स को अगर पता चल जाए या डव को पता चल जाए, तो डेफिनेटली वो ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट का क्लेम कर देंगे। ठीक है, सो सेक्शन 21ZB जो है, ट्रेडमार्क एक्ट हमारा 1999 का है, तो सेक्शन 21ZB ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट डिफाइन करता है कि ट्रेडमार्क होता क्या है। ट्रेडमार्क जो है इट इज अ मार्क which is capable of being represented graphically and which is capable of distinguishing goods or services of one person from those of others and may include shape, packaging, combination of colors, etc. तो ट्रेडमार्क जो है ऐसा एक मार्क है जिसको एक तो आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो, और दूसरी चीज जो कि कैपेबल है एक गुड्स ऑफ सर्विसेज को दूसरे गुड्स ऑफ सर्विसेज से डिस्टिंग्विश करने में, और इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, शेप इंक्लूड हो सकता है, पैकेजिंग इंक्लूड हो सकती है, कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स इंक्लूड हो सकता है। अब जैसे पैकेजिंग किस तरह से, शेप किस तरह से, अब जैसे किटकैट है, किटकैट के जो फिंगर शेप्ड चॉकलेट होता है ना किटकैट का, अब ये इसके ऊपर सपोज अगर नेस्ले का किटकैट है, राइट? तो अगर नेस्ले जो है इसके ऊपर ट्रेडमार्क अगर कर ले, तो अगर कोई और इस तरह का शेप का चॉकलेट बेचना चाहेगा तो नेस्ले उसके ऊपर ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट का केस कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया गाइस? थम्स अप देके बता दो, ये मेरा ट्रेडमार्क है। ठीक है, केस होने के बाद क्या होगा? केस होने के बाद आइदर पार्टीज विल हैव टू प्रूव कि कौन जो ऑथेंटिक कौन यूजर है उस ट्रेडमार्क का, या कौन जो है पहले से यूज कर रहा है उस ट्रेडमार्क को, सो दैट पर्सन विल हैव टू प्रूव एंड देन अकॉर्डिंगली द कोर्ट विल डिसाइड। ठीक है, सो रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क सेक्शन 18 टॉक्स अबाउट कि किस तरह से आप रजिस्टर कर सकते हो ट्रेडमार्क को। ठीक है, इट हैज टू बी रजिस्ट्रेशन के लिए आपको उसको राइटिंग में रजिस्टर करना होता है, आपको उस जो भी फॉर्म जिसके थ्रू आप रजिस्टर कर रहे हो उसमें आपको क्लियरली जो है सारी स्पेसिफिकेशंस मेंशन करने पड़ेंगे, आपका पर्सनल डिटेल, जो एप्लीकेंट है उसका पर्सनल डिटेल, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, किस क्लास के अंदर आप उसको रजिस्टर कर रहे हो, किस गुड्स एंड सर्विसेज के क्लास के अंदर आप उसको रजिस्टर कर रहे हो, क्या नेम है, अगर आप उसको पिक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो ये सारी चीजें आपको उस फॉर्म में मेंशन करनी होंगी और तब जाके आप उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ट्रेडमार्क के केस में क्या होता है कि जो भी मतलब जिसके पास भी वो ट्रेडमार्क है उसके पास ऑब्वियसली उसके पास एक्सक्लूसिव राइट आ जाता है वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल करने का। ठीक है, ये मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है, राइट? कि जो भी ओनर है उसके पास एक्सक्लूसिव राइट होगा कि वो किस तरह से अपने
जो जिस भी चीज के ऊपर उसकी ओनरशिप है उसको वो किस तरह से डील करे, वो उस ओनर ओनर की ओनर का राइट है उसके ऊपर। इसी पूरे कॉन्सेप्ट पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेस्ड है। तो सिमिलरली ट्रेडमार्क भी, जिसके भी नाम के अंदर वो ट्रेडमार्क बेस्ड है, जो भी ट्रेडमार्क ओनर है उसका राइट होगा कि किस तरह से जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उसके ऊपर, मतलब उसको बेचने का, उसको बनाने का हर तरह का राइट जो है वो उस ट्रेडमार्क ओनर के पास होगा। ठीक है, ठीक है। ऑल्सो कॉपीराइट की तरह ट्रेडमार्क को भी रजिस्टर कराना मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इट्स एडवाइज्ड फॉर एनहांस्ड सिक्योरिटी कि आप अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवा लो। ठीक है, रीजन यही है कि पहली चीज, अगर आप अपने ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाते हो तो आपको पहली चीज आपको ये प्रूव नहीं करना पड़ेगा कि ये ट्रेडमार्क आपका है। ठीक है, सिंस यू हैव रजिस्टर्ड, वो खुद में एक एविडेंस की तरह काम करेगा कि ये ट्रेडमार्क आपका है। आपको बस ये प्रूव करना पड़ेगा कि सामने वाला आपके ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंज कर रहा है। ठीक है, अब क्या होगा अगर आप अपने ट्रेडमार्क को प्रोटेक्ट नहीं करते, अगर आप उसको रजिस्टर नहीं करते तो क्या होगा? जयपुर में देर इज दिस मतलब जयपुर में जो बिरला मंदिर है उसके ऑपोजिट, मतलब बहुत जो लोकलाइट्स है वहां के, वो आपको बोलेंगे कि वहां पे एक पंडित पाव भाजी है, पाव भाजी वाला है, उसकी पाव भाजी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, अब वहां पे अगर आप जाओ उस जगह पे तो वहां देखोगे कि वहां पे 10 आउटलेट्स खुले हैं पंडित पाव भाजी के नाम से। अब हाउ आर यू गोइंग टू डिस्टिंग्विश कि ओरिजिनल वाला कौन सा है? सिमिलरली ऋषिकेश अगर आप जाओ ना तो वहां पे एक चोटी वाला रेस्टोरेंट बहुत फेमस है। ठीक है, तो अगेन आपको कोई बोलेगा कि इस फलाने जगह पे जाओ, वहां का चोटी वाला रेस्टोरेंट बहुत फेमस है, वहां पे खाना बहुत अच्छा मिलता है। फिर आप वहां पे जाओ तो आपको दिखेगा कि 5-7 चोटी वाला रेस्टोरेंट वाले वहां पे, मतलब आउटलेट्स खुल रखे हैं। हाउ विल यू गेट टू नो कि ओरिजिनल कौन सा है? एंड हाउ विल यू स्टॉप दी अदर पर्सन? अगर आपने रजिस्टर अपना ट्रेडमार्क नहीं कराया है तो ऑब्वियसली यू कैन स्टॉप दी अदर पर्सन फ्रॉम यूजिंग दैट ट्रेडमार्क, फ्रॉम यूजिंग दैट वर्ड, राइट? सो दैट इज वाई रजिस्टरिंग योर ट्रेडमार्क इज सो इम्पोर्टेंट। समझ में आ रहा है गाइस? इज दिस क्लियर? अगेन थम्स अप देके बता दो प्लीज इफ दिस इज क्लियर। अगर दुकान में से कोई एक ने कर लिया तो करा लिया तो क्लेम कर सकता है, डेफिनेटली। यस यस कार्तिक, ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, अब इसमें दो चीजें होती है, दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक है पासिंग ऑफ और एक है इंफ्रिंजमेंट। ठीक है, दोनों सॉर्ट ऑफ बात एक ही है। ठीक है, पासिंग ऑफ और इंफ्रिंजमेंट दोनों बात लगभग एक ही है। बस पासिंग ऑफ के केस में, पासिंग ऑफ का केस आप तब कर सकते हो अगर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, और इंफ्रिंजमेंट का केस आप तब कर सकते हो जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। ठीक है, पासिंग ऑफ का जो केस है वो इसलिए होता है ताकि आप कोई और, अगर आपका मार्क जो कि डिसेप्टिवली सिमिलर है या मतलब ऐसा है कि वो कस्टमर्स के मन में कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, अगर कोई और ऐसा मार्क यूज कर रहा है तो आप उसको वो मार्क यूज करने से रोको, इसलिए आप उसके लिए पासिंग ऑफ का केस कर सकते हो। तो दैट्स वाई मैंने कहा कि मैंडेटरी नहीं है ट्रेडमार्क को रजिस्टर कराना। ठीक है, इवन इफ आपने अगर ट्रेडमार्क अपना रजिस्टर नहीं कराया है तो भी आपके पास रेमेडी अवेलेबल है। ठीक है, तो आप पासिंग ऑफ का केस फिर भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप अगर आपने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करा रखा है, इन दैट केस आप इंफ्रिंजमेंट का केस कर सकते हो। अगेन इंफ्रिंजमेंट भी उसी बेसिस पे होता है कि अगर कोई और डिसेप्टिवली सिमिलर मार्क यूज कर रहा है या आइडेंटिकल मार्क यूज कर रहा है या फिर इस तरह का मार्क यूज कर रहा है जो कि कंज्यूमर को कंफ्यूज कर देगा। ठीक है, ऐसा अगर कोई मार्क यूज कर रहा है तो इन दैट केस यू कैन सू द अदर पर्सन फॉर ट्रेडमार्क इंफ्रिंजमेंट। डिफरेंस यही है दोनों केसेस में। केस आप इसलिए करते हो क्योंकि आप सामने वाले को रोकना चाहते हो आइडेंटिकल या डिसेप्टिवली सिमिलर मार्क यूज करने से, सो दैट इट डज नॉट क्रिएट कंफ्यूजन इन द आईज ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, दोनों केस में आपका रीजन यही होता है। पासिंग ऑफ का केस आप तब करते हो जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है, और इन्फ्रिंजमेंट का केस आप तब करते हो जब आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। ठीक है, डिफरेंस जो है दोनों में ये होता है कि पासिंग ऑफ के केस में दो स्टेप आपको पहले
प्रूफ करने होते हैं, पहला कि यू आर दी ओनर ऑफ दैट ट्रेडमार्क, यू आर दी ओनर ऑफ दैट ट्रेडमार्क, एंड सेकेंड कि somebody is sort of using a similar trademark. ठीक है, somebody is using a similar trademark so that it can create confusion in the eyes of public. ठीक है, तो ये दो चीजें आपको प्रूफ करनी होती हैं पासिंग ऑफ के केस में. लेकिन इन्फ्रिंजमेंट के केस में आपको ये पहला स्टेप नहीं करना होगा. ओनर आप हो ट्रेडमार्क के, ये आपको प्रूफ नहीं करना होगा. आपको सिर्फ ये प्रूव करना होगा कि कोई और जो है वो आपके जैसा सिमिलर ट्रेडमार्क यूज कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज वेयर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क कम्स इन टू पिक्चर. अगर कोई पासिंग ऑफ का केस करता है और डिफेंडेंट ने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा लिया है, फिर क्या डिफेंडेंट देखो कार्तिके, इट्स एक्चुअली थोड़ा सा घुमा हुआ है ये. तो ट्रेडमार्क के केस में ना एक चीज होती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है ऑनेस्ट कंकरेंट यूजर. दो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ऑनेस्ट कंकरेंट यूजर और दूसरा है प्रायर यूजर. ठीक है, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है व्हेन इट कम्स टू ट्रेडमार्क. तो अगर सपोज आपने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं कराया है और डिफेंडेंट ने सपोज ट्रेडमार्क रजिस्टर करा रखा है, ठीक है, और अगर सपोज वो डिफेंडेंट आपके ऊपर केस कर देता है कि आप उसका ट्रेडमार्क इन्फ्रिंज कर रहे हो, आपको इन दैट केस आप अगर ये प्रूव कर देते हो कि आप प्रायर यूजर हो उस ट्रेडमार्क के, तो इन दैट केस वो डिसीजन आपके फेवर में आ जाएगा. जैसे सपोज कि कोई ऐसी कंपनी है जिसने अपना ट्रेडमार्क 2010 में रजिस्टर कराया है, ठीक है, और आप उसी ट्रेडमार्क को सपोज 1930 से यूज कर रहे हो, ठीक है, आपने रजिस्टर नहीं कराया है लेकिन आप उसको 1930 से यूज कर रहे हो, तो इन दैट केस अगर आप ये प्रूव कर देते हो कि आपने 2010 में रजिस्टर कराया है, ठीक है, बट आई एम यूजिंग दैट सिंस 1930, सो इन दैट केस द डिसीजन विल कम अंडर योर फेवर. ठीक है, और दूसरी चीज ऑनेस्ट कंकरेंट यूजर का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई एक ऐसा ट्रेडमार्क है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो लिज्जत पापड़ है, ठीक है, आई डोंट नो क्यों ये आया मेरे दिमाग में, बट चलो लिज्जत पापड़ है, ठीक है, लिज्जत पापड़ जो है उसको राजस्थान में बेचा जा रहा है, और वहां पे उसका एक कंज्यूमर बेस बना हुआ है, ठीक है, राजस्थान वालों को पता चलता है कि झारखंड में भी कोई लिज्जत पापड़ के नाम से बेच रहा है, ठीक है, और वो भी बहुत टाइम से बेच रहा है और झारखंड में भी उसका अपना एक कंज्यूमर बेस बना हुआ है लिज्जत पापड़ का, ठीक है, झारखंड वाले लिज्जत पापड़ का. इन दैट केस अगर राजस्थान वाला लिज्जत पापड़ झारखंड वाले लिज्जत पापड़ को के ऊपर केस करना चाहता है, तो झारखंड वाला लिज्जत पापड़ जो है वो ये डिफेंस ले सकता है कि भाई हम ऑनेस्ट कंकरेंट यूजर है, हम भी इस काम को बहुत टाइम से कर रहे हैं और ऑनेस्टली कर रहे हैं, और हमारा कोई इंटेंशन नहीं है किसी के भी कंज्यूमर को डिसीव करने का या किसी भी तरह का कंफ्यूजन क्रिएट करने का पब्लिक के अंदर, क्योंकि मेरा कंज्यूमर बेस अलग है, आपका कंज्यूमर बेस अलग है, तो वी आर ऑनेस्ट कंकरेंट यूजर्स, एंड इन दैट केस प्रोबेबली कोर्ट विल ऑल्सो से कि चलो ठीक है, आप दोनों का कंज्यूमर बेस सेपरेट है, आप दोनों के मन में ये इंटेंशन नहीं है किसी को लॉस किसी तरह का कॉज करने का या फिर कंज्यूमर को डिसीव करने का या कंफ्यूज करने का, इन दैट केस चलो ठीक है, आप दोनों अपना अलग अलग वो ट्रेडमार्क यूज करो. ठीक है, सो बहुत सारी ऐसी चीजें प्ले में आ जाती हैं व्हेन दीज केसेस कम इनटू एग्जिस्टेंस. सो सिमिलरली वही, अगर किसी ने पासिंग ऑफ का केस किया है और सामने वाला अगर उस पर इंफ्रिंजमेंट का केस कर दे, तो पासिंग ऑफ वाला बोल सकते हैं कि भाई हम प्रायर यूजर है, ठीक है, हम पहले से यूज कर रहे हैं, तो इन दैट केस इवन इफ सामने वाले ने अगर रजिस्टर करा रखा है अपना ट्रेडमार्क, तो भी हो सकता है कोर्ट जो है वो जिसने नहीं रजिस्टर करा रखा है उसके फेवर में डिसीजन दे दे. समझ में आया गाइस? इज दिस क्लियर? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? कहीं और कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज मुझसे पूछ लो. आई एम मोर देन हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस. ऑल राइट, और अगर समझ में आ गया तो थम्स अप देके बता दो सो दैट हम आगे बढ़ सकें. ठीक है, अब कुछ टाइप्स ऑफ ट्रेडमार्क होते हैं. ठीक है, सर्विस ट्रेडमार्क, कलेक्टिव ट्रेडमार्क, सर्टिफिकेशन ट्रेडमार्क, ट्रेड ड्रेस. अब ये हम अलग अलग देखेंगे कि ये होता क्या है. ठीक है, सर्विस मार्क्स जो है, सर्विस मार्क्स बेसिकली अभी तक हमने जो भी मार्क्स देखे वो सारे गुड्स से रिलेटेड मार्क्स थे. ठीक है, कोलगेट या डव या फिर पिज्जा हट या फिर
स्टारबक्स, ठीक है, तो वो सारे सारे जो है हमने देखे कि वो सारे के सारे गुड्स से रिलेटेड मार्क्स थे। अब कुछ ऐसे मार्क्स होते हैं जो सर्विस से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि हिल्टन होटेल्स एंड रिजॉर्ट्स, ठीक है, ये क्या है, ये कोई गुड्स नहीं है, ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन दे वॉन्ट टू डिस्टिंग्विश देयर सर्विसेज फ्रॉम अनदर, ताज होटेल्स, ठीक है, उनका उनका में भी अपना एक मार्क होगा रजिस्टर्ड, सो दैट जो कंज्यूमर है वो आइडेंटिफाई कर सके उनके मार्क को किसी और के मार्क से, ठीक है। शेरिटन होटेल्स, ठीक है, ऐसे ही मतलब और भी अगर कोई सर्विसेज ऐसी हैं, हाउसिंग डेवलपमेंट सर्विसेज, कोई होटल सर्विसेज, प्रमोशनल सर्विसेज, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, मतलब कोई भी ऐसी सर्विसेज अगर वो अपना मार्क ऐसा रखते हैं सो दैट दे डिस्टिंग्विश देयर सर्विसेज फ्रॉम किसी और का सर्विसेज, तो ऐसे जो मार्क्स हैं इनको कहते हैं सर्विस मार्क्स, ठीक है। दूसरी चीज है कलेक्टिव मार्क। कलेक्टिव मार्क जो है ये बेसिकली इट्स नॉट यूज बाय एनी वन मेंबर, इट्स नॉट यूज बाय एनी वन पर्सन, इट्स अ मार्क दैट इज यूज बाय अ कलेक्टिव ग्रुप, ठीक है, कलेक्टिव ग्रुप या कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन जो है उस मार्क को यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अंडर इंडिया का मेक इन इंडिया कैंपेन, कोई भी अगर मेक इन इंडिया कैंपेन के अंदर कोई गुड्स वगैरह प्रोड्यूस करता है तो वो उसके ऊपर ये मार्क यूज कर सकता है मेक इन इंडिया वाला, ठीक है, विच इज गोइंग टू डिस्टिंग्विश देयर, विच इज गोइंग टू मेक द कंज्यूमर अवेयर कि ये वाला जो गुड्स है ये मेक इन इंडिया कैंपेन के अंदर इसको बनाया गया है, ठीक है। अब ये सिर्फ वो एक इंसान यूज नहीं करेगा, एवरीबडी विल कलेक्टिवली यूज दैट मार्क, हूएवर इज सॉर्ट ऑफ क्रिएटिंग एनीथिंग या कोई भी गुड्स वगैरह जो भी उस जो क्रिएट कर रहा है अंडर मेक इन इंडिया कैंपेन, ठीक है। जो सीए हैं, ठीक है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं वो जनरली ये मार्क यूज करते हैं अगर दे आर रजिस्टर्ड विद देयर जो उनका वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो रजिस्ट्रेशन पता नहीं कहाँ, आई डोंट रिमेम्बर कहाँ होता है एग्जैक्टली, बट इफ दे आर रजिस्टर्ड विद दैट अथॉरिटी दे आर दे कैन यूज दिस पर्टिकुलर मार्क, ठीक है। सो जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं जो भी उस अथॉरिटी के साथ रजिस्टर्ड है वो ये मार्क कलेक्टिवली यूज करते हैं, तो ये कलेक्टिव मार्क है, ठीक है। सिमिलरली सर्टिफिकेशन मार्क, ये हमने बहुत जगह देखा है, ये हमारे फ्रिज पे ये मार्क होता है, पावर सेविंग गाइड, फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उस पर ये मार्क होता है, ISI मार्क होता है, ठीक है। सो देर आर सम मार्क्स जो सॉर्ट ऑफ सर्टिफाई करते हैं किसी भी चीज की ओरिजिनलिटी को, उसके क्वालिटी को, एक्यूरेसी को, ठीक है। सो इसको सर्टिफाई करने के लिए जो मार्क्स यूज करते हैं उनको सर्टिफिकेशन मार्क्स बोलते हैं, ठीक है। सो दीज आर सम अदर काइंड्स ऑफ मार्क्स अपार्ट फ्रॉम ट्रेडमार्क्स। ट्रेडमार्क्स के अंदर ही आ जाएंगे ये सारे अलग अलग काइंड्स ऑफ मार्क्स, ठीक है। उसके बाद एक वेल नोन ट्रेडमार्क क्या होता है, एक वेल नोन ट्रेडमार्क ऐसा ट्रेडमार्क है जो कि इतना वेल नोन है कि अगर सपोज कोई और बिल्कुल ही अलग कैटेगरी में कोई अगर गुड्स या सर्विसेज दे रहा है लेकिन उसी ट्रेडमार्क को अगर यूज करके दे रहा है तो वो ट्रेडमार्क इतना वेल नोन है कि जो पब्लिक है वो एक लिंक ड्रॉ कर लेगी कि हो सकता है कि ये उनका ही गुड्स या सर्विस है। फॉर एग्जाम्पल होंडा कार्स, ठीक है, तो होंडा एक इतना वेल नोन ट्रेडमार्क है कि कल को अगर कोई कुकर बेचने लगे होंडा के नाम से, ठीक है, अगर कल को कोई कुकर बेचने लगे होंडा के नाम से तो भले बिल्कुल ही अलग गुड्स एंड सर्विसेज हैं, दोनों का कंज्यूमर बेस भी बिल्कुल अलग होगा, लेकिन होंडा इतना ज्यादा वेल नोन ट्रेडमार्क है कि हो सकता है कि पब्लिक के मन में एक बार को ये जरूर आ सकता है कि कुछ हो सकता है लिंक है होंडा कार्स और होंडा कुकर के बीच में, ठीक है। जैसे टाटा इतना वेल नोन ट्रेडमार्क है वो और हर जगह पे फैला हुआ है, राइट, वो कार्स भी बनाता है, वो स्टील भी बनाता है, मतलब वो पता नहीं एवरीथिंग इज मैन्युफैक्चर्ड बाय टाटा ऑलमोस्ट। सो अगर कल को अगर टाटा के नाम पे अगर कोई और कुछ भी और बनाने लगे तो इट विल बी वेरी सॉर्ट ऑफ नॉर्मल इफ पब्लिक थिंक्स कि वो भी शायद टाटा कंपनी का ही है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज नोन बाय वेल नोन ट्रेडमार्क, ठीक है। अ ट्रेडमार्क विच इज सो वेल नोन कि अगर कोई बिल्कुल ही अलग कैटेगरी का गुड्स एंड सर्विसेज भी अगर बनाए उस ट्रेडमार्क के अंदर तो भी कहीं ना कहीं पब्लिक जो है इट विल स्टार्ट लिंकिंग द टू थिंग्स, इट मतलब वो पब्लिक उसको एज एन इंडिकेशन ले लेगी कि कोई कनेक्शन है दोनों मार्क्स के बीच में, इवन इफ देयर इज नो कनेक्शन बिटवीन दोज मार्क्स जस्ट बिकॉज दैट ट्रेडमार्क इज सच अ वेल नोन ट्रेडमार्क, ठीक है। सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट ऑनेस्ट कंकरेंट यूजर, ये मैंने ऑलरेडी बताया कि दो जगह पे अगर दोनों लोग बोनाफाइड तरीके से गुड फेथ में अगर ट्रेडमार्क यूज कर रहे हैं कोई, तो इन दैट केस
और अगर उनका कस्टमर बेस अलग है, अगर कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट हो रही है पब्लिक के बीच में, ना तो वो चाहते हैं ना तो वो इंटेंड करते हैं कि कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो पब्लिक के बीच में, इन दैट केस ये पर्टिकुलर चीज जो है कंकरेंट ऑनेस्ट कंकरेंट यूजर, ये द कोर्ट कैन टेक दिस एज एन आर्ग्यूमेंट इफ द अदर पर्सन सेज कि ठीक है वी आर यूजिंग द सेम ट्रेडमार्क बट वी आर जस्ट ऑनेस्ट कंकरेंट यूजर्स, हमारा कोई मैलाफाइड इंटेंशन नहीं है सामने वाले के प्रॉफिट्स लेने का या सामने वाले के कंज्यूमर्स को कंफ्यूज करने का. ठीक है, सो ऑनेस्ट कंकरेंट यूजर्स, दिस इज ऑल्सो कॉन्सेप्ट जिससे इवन इफ अ पर्सन हैज नॉट रजिस्टर्ड देयर ट्रेडमार्क बट इफ दे आर यूजिंग किसी और का ट्रेडमार्क इन अ बोनाफाइड मैनर दैट कैन बी अलाउड. ठीक है, टाटा मोटर्स ने जैगुआर्स को परचेज किया तो क्या फिर से जैगुआर के ओनर्स के ट्रेडमार्क यूज कर सकते हैं? अगर टाटा ने जैगुआर को परचेज किया है तो ऑब्वियसली जैगुआर का एक अलग वो है, कस्टमर बेस है, टाटा का अलग कस्टमर बेस है. बट अगर अच्छा वो डिपेंड करेगा, अगर मर्जर हुआ है सपोज, तो इन दैट केस जैगुआर भी अपना ट्रेडमार्क यूज कर सकता है, टाटा भी अपना ट्रेडमार्क यूज कर सकता है. बट अगर अगर पूरा का पूरा एक्विजिशन हो जाए, मान के चलो ठीक है कि एक कंपनी जो है वो पूरी तरह से अक्वायर कर ले दूसरी कंपनी को, इन दैट केस वो जो दूसरी कंपनी है वो अपना ट्रेडमार्क यूज नहीं करेगी. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल पहले हीरो होंडा होता था, ठीक है, तो ये दो कंपनीज थी, हीरो और होंडा, इनके बीच मर्जर हो रखा था तो दोनों अपना अपना नाम यूज करते थे, ये एक ट्रेडमार्क था. ठीक है, लेकिन वही सपोज कि पहले देयर वाज दिस मोबाइल सर्विस कंपनी हच, मोबाइल नेटवर्किंग सर्विस कंपनी हच, ठीक है, इसको पूरा पूरा अक्वायर कर लिया वोडाफोन ने. ठीक है, तो नाउ हच जो है वो उसको बिल्कुल ही यूज नहीं किया जाता, पूरा पूरा सिर्फ हम वोडाफोन यूज करते हैं. ठीक है, सो अगर मर्जर एक्विजिशन वगैरह की बात है तो इन दैट केस वो अलग कॉन्सेप्ट है, बट जस्ट एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ दैट प्लेज आउट. Is this clear, guys? ठीक है, उसके बाद रिलीफ क्या ग्रांट किया जा सकता है अगर इंफ्रिंजमेंट या पासिंग ऑफ का केस किया जाए, तो रिलीफ क्या ग्रांट किया जा सकता है? ऑब्वियसली वही वो सारे रिलीफ जो हमने कॉपीराइट के केस में पढ़े, इंजंक्शन ले सकते हो आप, अकाउंट ऑफ प्रॉफिट ले सकते हो आप, कॉम्पनसेशन ले सकते हो. ठीक है, अगेन वही एंटन पिलर ऑर्डर, मारेवा इंजंक्शन, जो भी हमने डिस्कस किया वो सब आप ले सकते हो. सिमिलरली इसमें भी आपके पास क्रिमिनल रेमेडीज भी अवेलेबल है. ठीक है, सो अगर आप ट्रेडमार्क इंफ्रिंज करते हो किसी का, तो आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है 6 साल से लेकर के 6 महीने से लेकर के 3 साल की, और आपको फाइन देना पड़ेगा 50,000 से लेकर के 2 लाख तक का. ठीक है, प्रायर यूजर प्रिवेल्स ओवर रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, ये एक रूल है कि इवन इफ, जो मैंने ऑलरेडी बताया कि अगर 2010 में किसी ने अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लिया है, लेकिन कोई और जो है वो 1930 से अगर वो ट्रेडमार्क यूज कर रहा है, तो वो जो प्रायर यूजर है वो प्रिवेल करेगा रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के ऊपर. ये सेक्शन 34 ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट 1999 बोलता है. ठीक है, कि जो भी फर्स्ट यूजर है, जो भी प्रायर यूजर है, उसको थोड़ा सा फायदा ज्यादा दिया जाता है ट्रेडमार्क के केस में, उसका सुप्रीम पावर होता है. ठीक है, got it guys? So that was about trademarks. समझ में आया ट्रेडमार्क? समझ में आया गाइस? एक बार प्लीज थम्स अप देके बता दो, सो दैट वी कैन मूव ऑन टू ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस एंड देन वी विल फिनिश ऑफ विद पेटेंट्स एंड विल बी डन विद आज का सेशन. थम्स अप देके बता दो प्लीज अगर ट्रेडमार्क समझ में आ गया, जो भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए, प्रायर यूजर और ऑनेस्ट कंकरेंट यूजर, पासिंग ऑफ, इंफ्रिंजमेंट, और अलग अलग काइंड ऑफ मार्क्स हमने जो भी डिस्कस किए, अगर सब कुछ समझ में आ गया, तो वी कैन मूव ऑन टू आर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन विच इज ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस. ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस जो कि वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि कुछ तो ज्योग्राफी से रिलेटेड है. ठीक है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है, प्लेस से रिलेटेड है. सो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इज बेसिकली a mark or a tag which is given to a particular goods or anything which originates in a particular area.
किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया से अगर कोई चीज ओरिजिनेट हो रही है या किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के पास अगर कोई स्पेशल मतलब कोई स्पेशलिटी है उस पर्टिकुलर गुड्स को बनाने की, तो इन दैट केस उस पर्टिकुलर एरिया को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर गुड. ठीक है, जैसे कि लखनऊ की चिकनकारी कुर्तियां जो बनती हैं, ठीक है, या फिर बनारसी साड़ियां, या फिर नागपुर के ऑरेंजेस, जैसे जैसे असम की चाय, दार्जिलिंग की चाय. ठीक है, सो ऐसी चीजें जो कि हम किसी एक ज्योग्राफिकल एरिया को हम सॉर्ट ऑफ उसको हम डिनोट कर सकते हैं. ठीक है, तो इन दैट केस ऐसी चीजों को उस पर्टिकुलर एरिया से रिलेटेड ज्योग्राफिकल टैग मिलता है, और वो टैग जो है वो सॉर्ट ऑफ प्रूफ होता है कि ये जो सामान है इस जगह से ओरिजिनेट हो रहा है, और इस जगह से ओरिजिनेट हो रहा है मतलब कि ये ऑथेंटिक सामान है. ठीक है, सो इसीलिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग दिया जाता है. ये जो गुड्स है दे हैव अ रेप्यूटेशन फॉर देयर क्वालिटी बिकॉज दे ओरिजिनेट फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्लेस, उनका उस प्लेस से उस चीज का रेप्यूटेशन अटैच होता है. तो इसी रेप्यूटेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड ऑल्सो जो भी उस प्लेस में जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उस पर्टिकुलर चीज के, ठीक है, उनको फायदा मिले उस रेप्यूटेशन का, सिर्फ उनको ही फायदा मिले उस रेप्यूटेशन का, इसलिए ये जीआई का टैग यूज किया जाता है. ठीक है, नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू गाइस. सबसे पहला प्रोडक्ट कौन सा था इंडिया में जिसको जीआई का टैग मिला था? बासमती राइस, दार्जिलिंग टी, बनारसी साड़ी, नागपुर ऑरेंजेस. विच वॉज द फर्स्ट प्रोडक्ट इन इंडिया टू गेट अ जीआई टैग, कोई बता सकता है? ए बी सी डी, बासमती राइस, दार्जिलिंग टी, बनारसी साड़ी, नागपुर ऑरेंजेस. बताओ 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 कौन सा पहला प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला था इंडिया में? बासमती राइस, दार्जिलिंग टी, बनारसी साड़ी, नागपुर ऑरेंजेस. ए बी सी डी. टेक अ गेस, टेक अ रैंडम गेस. बताओ बताओ. दार्जिलिंग टी बी, दी इज द राइट आंसर. यस यस, दार्जिलिंग टी जो है दैट इज द फर्स्ट प्रोडक्ट जिसको जीआई का टैग मिला था इंडिया में. ठीक है, किस तरह के गुड्स जो है वो कवर होते हैं जीआई के अंडर? एग्रीकल्चरल, जैसे नागपुर के ऑरेंजेस, जैसे कि मुजफ्फरपुर की लीचियां, और एग्जाम्पल दे सकता है कोई एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का? और एग्जाम्पल कोई दे सकता है? नागपुर के ऑरेंजेस जो कहीं एक जगह पे जो ग्रो करता है इसीलिए वो फेमस है. दार्जिलिंग टी भी ले सकते हैं एग्रीकल्चरल में. हाँ, दार्जिलिंग टी ले सकते हैं. फिर और क्या, कहीं की अगर कॉफी फेमस है, कहीं के अगर केले फेमस हैं. ठीक है, सो ऐसी जो चीजें हैं उनको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिल सकता है. ठीक है, उसके बाद नेचुरली अकरिंग गुड्स, जैसे कि मकराना के मार्बल्स, ये फेमस है. हैंडीक्राफ्ट और एनी अदर इंडस्ट्री, जैसे कश्मीरी पश्मीना, जैसे चिकनकारी कुर्ती, जैसे बनारसी साड़ी, जैसे कि कांजीवरम साड़ी. ठीक है, सो ऐसी चीजें विच आर अगेन सॉर्ट ऑफ लोकेटेड और सॉर्ट ऑफ I'm losing the word, which is sort of associated with a particular place, with a particular geographical place. ठीक है, उसके बाद food stuff, जैसे आगरा के पेठे, जैसे कि अमृतसरी छोले कुलचे, मतलब ऐसी चीजें. ठीक है, अगेन जो कि किसी एक जगह से associated है. ठीक है, तो ये सारी चीजें, इस तरह की जो चीजें हैं वो ambit में आती हैं geographical indications के. ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस इंडिया में, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट जो है वो अगेन 1999 में आया था.
ये डिफाइन करता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन को, सेइंग कि इट्स एन इंडिकेशन विच आइडेंटिफाई सच गुड्स एज एग्रीकल्चरल गुड्स, नेचुरल गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स ओरिजिनेटिंग और मैन्युफैक्चर्ड इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री और अ रीजन और लोकैलिटी इन दैट टेरिटरी, वेयर अ गिवन क्वालिटी, रेप्यूटेशन और अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सच गुड्स इज एसेंशियली एट्रीब्यूटेबल टू इट्स ज्योग्राफिकल ओरिजिन, एंड इन केस वेयर सच गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, वन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ either production or of processing or preparation takes place in that territory, region or locality. Basically, ये कहना चाह रहा है कि geographical indication जो है, ये एक ऐसा indication है जो कि identify करता है किसी goods को, चाहे वो agricultural goods हो, natural goods हो, manufactured goods हो, जो कि originate होते हैं या manufacture होते हैं किसी एक particular region में of the country. और जिस region में वो originate या manufacture होते हैं, उस region की वजह से उनका reputation या quality, उस रीजन की वजह से हम उस रीजन को एट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर रीजन में उस पर्टिकुलर प्लेस को लेकर के उसकी क्वालिटी या रेप्यूटेशन जो है वो एट्रीब्यूटेबल है ऐसे ही ऐसे गुड्स की, ठीक है. और हाँ, मतलब अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो वो पूरा का पूरा गुड्स उस जगह पे मैन्युफैक्चर हो ऐसा जरूरी नहीं है. अगर उसका कोई ऐसा प्रोसेस या प्रेपरेशन भी एक जगह से एट्रीब्यूटेबल है तो वो भी जीआई के अंदर आएगा. अब जैसे हम अगेन बनारसी साड़ी की बात करें, ठीक है, तो वो सिल्क की साड़ियां होती हैं. अब उसका फैब्रिक कहीं से भी आए, ठीक है, फैब्रिक कहीं पे भी बन रहा हो, डजंट मैटर, बनारसी साड़ी जो जो उसपे वर्क किया होता है, जो उसपे हैंडी वर्क किया होता है, उससे फेमस है बनारसी साड़ी, राइट. तो सिर्फ उसका वो पार्ट बनारस में हो रहा है लेकिन वो उसी की वजह से फेमस है, ठीक है. सो इसीलिए जो बनारसी साड़ी का वो पार्ट जो कि उस जो बनारस में जो हम एट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है. सो इसीलिए बनारसी साड़ी को लेकर के हम जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है वो हम बनारस को देंगे, ठीक है. सो ये बेसिकली डेफिनेशन है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन की. सेक्शन 2E ऑफ जीआई एक्ट 1999 डिफाइन करता है कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है. सम एग्जांपल्स ऑलरेडी मैंने दे रखे हैं, बासमती राइस, दार्जिलिंग टी, कांजीवरम सिल्क साड़ी, अल्फोंसो मैंगो, नागपुर ऑरेंज, कोल्हापुरी चप्पल, बीकानेरी भुजिया, आगरा का पेठा, मालाबार के पेपर्स. सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के, ठीक है. अगेन जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन है उसको अगर आप रजिस्टर कर लेते हो तो आप किसी और को, अगेन ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक ऐसा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो कि अगेन किसी एक पर्सन को नहीं मिलता है, एक पर्सन को नहीं मिलता है, वो एक प्लेस को मिलता है, ठीक है. ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है वो एक प्लेस को दिया जाता है और उस प्लेस पे जो भी ऐसे लोग हैं जो कि उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं या किसी भी तरह से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चर में वो कंट्रीब्यूट करते हैं, तो उन सब के पास ये राइट होगा, उन सारे लोगों के पास ये राइट होगा जो कि उस पर्टिकुलर प्लेस को बिलोंग करते हैं और उस पर्टिकुलर गुड्स के मैन्युफैक्चर में या प्रोडक्शन में जो कंट्रीब्यूट करते हैं उनके पास ये राइट होगा कि वो किसी और को उस पर्टिकुलर गुड्स को प्रोड्यूस करने से या मैन्युफैक्चर करने से रोक सकते हैं या उसको अनऑथराइज तरीके से यूज करने से रोक सकते हैं, ठीक है. सो अनलाइक ट्रेडमार्क, अनलाइक कॉपीराइट, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है इट्स नॉट गिवन टू अ पर्सन और अ कंपनी, इट्स गिवन टू अ प्लेस. बनारसी पान, यस, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है गाइस. सो बाय रजिस्टरिंग अ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इन इंडिया द राइट्स होल्डर कैन प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूज ऑफ रजिस्टर्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन बाय अदर्स, कैसे, इंफ्रिंजमेंट एक्शन, सूट फाइल करके, ठीक है. रजिस्ट्रेशन ऑफ जीआईज इन इंडिया इज नॉट मैंडेटरी, ठीक है. अगेन वही बात जो ट्रेडमार्क में है ना, कि अगर आपका जीआई रजिस्टर्ड नहीं है तो आप पासिंग ऑफ का केस कर सकते हो, लेकिन अगर आपका जीआई रजिस्टर्ड है तो आप उस पर इंफ्रिंजमेंट का केस कर सकते हो, ठीक है. सेम कॉन्सेप्ट जो हमने ट्रेडमार्क में देखा था सेम यहाँ पे भी अप्लाई होगा. तो इसलिए रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं है, लेकिन इट्स एडवाइजेबल कि आप अपना जो जीआई है उसको रजिस्टर करा लो, बिकॉज वो प्राइम ऑफ एसआई एविडेंस की तरह काम करता है कि ये जीआई आपके ही एरिया, मतलब जो भी, कि ये आपके ही एरिया का स्पेसिफिक प्रोडक्ट है या इस प्रोडक्ट को हम आपके ही एरिया से एट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो इसका एक प्रूफ चुकी हो जाएगा अगर आप अपने जीआई को रजिस्टर करा लेते हो. सो इट्स एडवाइजेबल कि आप अपने जीआई को रजिस्टर करा लो, सो दैट यू डोंट हैव टू प्रूव दैट थिंग कि ये जो है, मतलब इस प्रोडक्ट की क्वालिटी या रेप्यूटेशन जो है वो इस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया से अटैच्ड है और हम जो है
मतलब हम इस पर्टिकुलर गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, या आपको ये प्रूव ना करना पड़े, आपको बस ये प्रूव करना पड़े कि ये आपका जो भी जीआई है वो आपका है और सामने वाला उसको इन्फ्रिंज कर रहा है, ठीक है। उसके बाद ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो सेम जस्ट लाइक ट्रेडमार्क, जस्ट लाइक कॉपीराइट, एप्लीकेशन आपको देना पड़ेगा, उसमें आपको वो सारी चीजें जो भी उस एप्लीकेशन में मेंशन है वो सारी चीजें आपको उसमें आपको फिलअप करनी पड़ेंगी। उसके बाद ड्यूरेशन, कब तक आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोटेक्ट किया जा सकता है, तो वो 10 साल के लिए रजिस्टर किया जाता है और फिर आप उसको रिन्यू करा सकते हो फ्रॉम टाइम टू टाइम, आने वाले 10 साल के लिए आप उसको रिन्यू करा सकते हो, सो टिल इटर्निटी वो आप उसको रिन्यू कराते जा सकते हो, ठीक है। इन्फ्रिंजमेंट के लिए क्या होता है, इन्फ्रिंजमेंट के लिए अगर अगेन इन्फ्रिंजमेंट के लिए इंजंक्शन की रेमेडी अवेलेबल है, सिमिलरली पेक्यूनरी रेमेडीज अवेलेबल है, जैसे हमने ट्रेडमार्क के लिए भी देखा, और इस केस में भी आप क्रिमिनल रेमेडी भी ले सकते हो जिसमें सामने वाले को 6 महीने से लेकर के 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, 50,000 से लेकर के 2 लाख तक का फाइन पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज अबाउट जीआई। और ट्रेडमार्क और जीआई के बीच में डिफरेंस मैंने ऑलरेडी बताया कि ट्रेडमार्क एक एंटरप्राइज को, एक कंपनी को उसके गुड्स और सर्विसेज को दूसरे कंपनी से डिस्टिंग्विश करने में यूज आता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक पर्टिकुलर प्लेस को दिया जाता है और उस पर्टिकुलर प्लेस में जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उस पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के, उन सबको ये प्रोटेक्शन मिलता है कि वो किसी और को मना कर सकते हैं या रोक सकते हैं अनऑथराइज्ड यूज करने से या प्रोड्यूस करने से उस पर्टिकुलर जीआई को, ठीक है। सो दैट्स अबाउट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। एंड सिंस दिस इज अ मैराथन क्लास गाइज, इफ यू हैवंट येट टेकन अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन, आई हाईली रिकमेंड कि प्लीज ले लो, बिकॉज यू गेट ऑप्शन सच एज यू कैन रेज अ हैंड एंड टॉक टू योर एजुकेटर्स इन लाइव सेशंस, यू कैन लॉन्च अ क्विज, अनलिमिटेड क्विजेस आप लॉन्च कर सकते हो, आप एक्सेस कर सकते हो, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस का आपको एक्सेस मिलेगा, अपॉर्चुनिटी टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट ऑफ एजुकेटर्स एंड एनएलयू एलुमनाई, यू गेट एक्सेस टू वीकली इवेंट्स जैसे नो ईयर एग्जाम, टॉप स्ट्रेटजीज एंड योर एक्सपीरियंसेस बाय फैकल्टी एटसेट्रा, यू गेट एक्सेस टू नेशनल मॉक टेस्ट एंड सेक्शनल टेस्ट। अगर आप क्लैट एमएचसीईटी ब्लैट 2022 के एस्पिरेंट हो तो हम आपके लिए एब्सोल्यूट लॉ 2.0 नाम का बैच लेके आ रहे हैं, इसमें आपको फीचर्स मिलेंगे जैसे रेज अ हैंड, लाइव वॉइस सॉल्यूशंस, 50 प्लस एडिशनल मॉक टेस्ट एंड वीकली सेक्शनल टेस्ट, मंथली करंट अफेयर्स और जीके का कंपेंडियम। ये शुरू हो रहा है 29 सितंबर से, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साल का बैच है, इसमें आपको टॉप के जो एजुकेटर्स हैं अकेडमी के प्लेटफॉर्म पे वो आपको पढ़ाएंगे। अगर आप दोबारा से क्लैट 2021 के बाद दोबारा से क्लैट 2022 का एग्जाम देना चाहते हो तो हम आपके लिए रैंक बूस्टर रिपीटर्स बैच कोर्स लेके आ रहे हैं, 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक साल का बैच है, सारे के सारे फीचर्स जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किए वो आपको मिलेंगे, एंड अगेन जो टॉप के एजुकेटर्स अवेलेबल है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे वो आपको इसमें पढ़ाएंगे। अगर आप 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो गाइस तो इट कॉस्ट यू 28,000 रुपीस, एक साल का सब्सक्रिप्शन कॉस्ट यू 19,250 रुपीस, सो यू कैन पिक एंड चूज वट एवर पैक वर्क्स बेस्ट फॉर यू। और इन प्राइसेस पे अगर आप मेरा कोड यूज करते हो, लॉयर अप मेरा कोड है, तो आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिलेगा। लॉयर अप मेरा कोड इसलिए है बिकॉज इट्स इंस्पायर्ड बाय द फ्रेज सूट अप, सूट अप का मतलब होता है टू गेट रेडी, सो व्हेन आई से लॉयर अप आई वांट यू गाइस टू गेट रेडी टू बिकम लॉयर्स। ऑलराइट, एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, 1 अक्टूबर से 20% प्राइस हाइक होने जा रहा है, तो 24 महीने का सब्सक्रिप्शन जो 28,000 का होता था वो 33,600 का हो जाएगा, एक साल का सब्सक्रिप्शन जो 19,250 का है वो 23,100 का हो जाएगा। सो इफ यू आर स्टिल ऑन फेंस अबाउट डिसाइडिंग वेदर यू वॉन्ट टू टेक अ सब्सक्रिप्शन और नॉट, प्लीज डिसाइड एंड टेक अ सब्सक्रिप्शन बिफोर 1 अक्टूबर सो दैट यू कैन अवेल the current prices, और अगेन इस prices पे you know कि अगर आप lawyer up मेरा code use करोगे तो आपको 10% का additional discount भी मिलेगा, तो बहुत सारे पैसे बच जाएंगे। so if you're thinking of taking a subscription, please take it before 1 October. you can host a quiz and ask your friends to join on an academy app, or you can join a live quiz that your educator schedule for you. हर सैटरडे सुबह 11 बजे अनअकैडमी लॉ एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, यूलैट, हर दिन 20 मिनट्स का टेस्ट होता है अलग अलग सब्जेक्ट्स का, वीकली T20 टेस्ट, दिस टेस्ट इज ओपन फॉर एवरीवन। इफ यू फाइंड कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट हमारे वीडियो में तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो, इफ यू द फर्स्ट वन टू रिपोर्ट अ पर्टिकुलर इशू यू कैन क्लेम योर प्राइस दैट अनअकैडमी हैज फॉर यू। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन चेक आउट द डिस्क्रिप्शन, एंड लास्टली प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, कमेंट ऑन आवर वीडियोस एंड लेट अस नो इफ यू लाइक डिसलाइक, जो भी आपको बिल्कुल ऑनेस्ट फीडबैक आपको देना है हमारे वीडियोस पे आप दे सकते हो, और लाइक करो, शेयर करो हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आए, बिकॉज इट मोटिवेट्स अस टू डू मोर फॉर यू गाइस। ऑलराइट,
सो लास्टली एक हमारा बस लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन बच रहा है पेटेंट लॉस, ठीक है, तो हम जल्दी से पेटेंट लॉस देख लेते हैं और ये हमने जस्ट अभी जस्ट डिस्कस किया है तो इट शुडंट टेक मच टाइम. पेटेंट लॉस के साथ ये है कि पेटेंट लॉस अनलाइक कॉपीराइट, अनलाइक ट्रेडमार्क, अनलाइक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, पेटेंट जो है वो सिर्फ एक इन्वेंशन पे लिया जाता है, ठीक है, एक इन्वेंशन पे लिया जाता है और गवर्नमेंट जो है इन्वेंटर को पेटेंट ग्रांट करती है ताकि जो इन्वेंटर है सिर्फ उसके पास राइट हो उस पर्टिकुलर इन्वेंशन को यूज करने का, बनाने का, बेचने का फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम क्या है वो हम अभी आगे देखेंगे. बट मेन मोटो पेटेंट लॉ को इनैक्ट करने का मेन रीजन ये है कि हम इन्वेंटर्स को एनकरेज कर सके कि वो अपने फील्ड में ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करे, ज्यादा से ज्यादा इन्वेंशन बना करके. ठीक है, सो इसीलिए पेटेंट लॉज को इनैक्ट करना जरूरी है. ठीक है, उसके बाद ऑल्सो पेटेंट लॉज के साथ बात ये है कि देर आर थ्री थिंग्स दैट अ पेटेंट हैज टू हैव, मतलब बिल्कुल फॉर श्योर ये तीन चीजें होनी चाहिए फॉर एन इन्वेंशन टू बी पेटेंटेबल. क्या तीन चीजें होनी चाहिए? पहला कि दैट इन्वेंशन मस्ट बी नॉवल, न्यू होना चाहिए, ठीक है, इट मस्ट बी नॉवल. दूसरा, इट मस्ट बी नॉन ऑब्वियस, ऑब्वियस नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी उसमें आपने थोड़ा सा कुछ इधर उधर कर दिया और बोल दिया कि अरे ये तो मेरा नया इन्वेंशन है. नहीं, इतना ऑब्वियस नहीं होना चाहिए नया इन्वेंशन, ठीक है, इट शुड बी नॉन ऑब्वियस. और तीसरी चीज की जो इन्वेंशन है उसका कुछ यूज होना चाहिए, इट शुड बी यूजफुल, इट शुड हैव सम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, ठीक है. सो फॉर एन इन्वेंशन टू बी पेटेंटेबल उसको ये तीनों चीजें फॉर श्योर सॉर्ट ऑफ कवर करनी ही है, ठीक है. पेटेंट एक्ट जो है, पेटेंट्स एक्ट हम 1970 का फॉलो करते हैं, हमारे इंडिया में पेटेंट्स एक्ट 1970 फॉलो होता है. और पेटेंट्स एक्ट 1970 जो है वो दो तरह के पेटेंट्स की बात करता है, पहला प्रोडक्ट पेटेंट और दूसरा प्रोसेस पेटेंट. प्रोडक्ट पेटेंट जो है वो होता है जो सीधे सीधे प्रोडक्ट के ऊपर, अगर जो इन्वेंशन है वो जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर आपको पेटेंट मिल जाएगा. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर पैरासिटामोल टैबलेट्स हैं तो जो टैबलेट्स हैं उनके ऊपर आपको जो पेटेंट मिलेगा वो प्रोडक्ट पेटेंट है. और उस टैबलेट्स को बनाने का जो पूरा प्रोसेस था उसके ऊपर अगर आप पेटेंट चाहते हो तो उस पर आपको प्रोसेस पेटेंट मिलेगा, ठीक है. गोज विदाउट सेइंग दिस इज व्हाट आर पेटेंट एक्ट 1970 अलाउस, दो तरह के पेटेंट्स, प्रोडक्ट पेटेंट और प्रोसेस पेटेंट, ठीक है. उसके बाद सेक्शन 21J ऑफ इंडियन पेटेंट एक्ट जो है इन्वेंशन की बात करता है. ये कहता है कि कोई भी ऐसा नया प्रोडक्ट या मेथड रिक्वायरिंग एन इन्वेंटिव फेज केपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल यूसेज, सच अ थिंग विल बी एन इन्वेंशन एंड सच अ थिंग कैन बी पेटेंटेड अंडर इंडियन पेटेंट एक्ट, ठीक है. सो सम ऑफ द प्री कंडीशंस ऑफ द इन्वेंशन आर दैट कि वो नया होना चाहिए. ये बार बार रिपीट होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तीनों चीजें होनी ही चाहिए फॉर एन इन्वेंशन टू बी पेटेंटेबल, ठीक है. नया होना चाहिए और नॉन ऑब्वियस होना चाहिए और उसका कोई इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होना चाहिए. ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. उसके बाद पेटेंट एक्ट में कुछ ऐसी चीजें भी मेंशन है जिसको पेटेंट नहीं कराया जा सकता, विच आर नॉट पेटेंटेबल. तो ऐसा कोई भी इन्वेंशन जो कि फ्रिवलस है यानी कि बहुत मतलब छोटा सा, तुच्छा सा, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, स्टूपिड है, ठीक है. तो ऐसा कोई इन्वेंशन उसको हम पेटेंट नहीं करा सकते. अगर ऑब्वियस सा कोई इन्वेंशन है उसको हम पेटेंट नहीं करा सकते. अगर वो नेचुरल लॉज के कॉन्ट्ररी है तो उसको पेटेंट नहीं करा सकते. कॉन्ट्ररी टू लॉ है तो उसको पेटेंट नहीं करा सकते. मोरालिटी के अगेंस्ट है तो उसको पेटेंट नहीं करा सकते. पब्लिक हेल्थ के अगेंस्ट है उसको पेटेंट नहीं करा सकते. सिर्फ एक डिस्कवरी है किसी साइंटिफिक प्रिंसिपल की तो उसको पेटेंट नहीं करा सकते, ठीक है. सिर्फ एक मेयर अरेंजमेंट या रीअरेंजमेंट है किसी नोन डिवाइसेस का, उसको पेटेंट नहीं करा सकते. अगर एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड कोई इन्वेंशन है तो उसको पेटेंट नहीं करा सकते. सो ऐसी एक लिस्ट जो है मेंशनड है हमारे पेटेंट एक्ट में कि अगर आपका इन्वेंशन इन सब में से किसी में भी फॉल करता है तो उसको आप पेटेंट नहीं करा सकते, ठीक है. उसके बाद पेटेंट टी कौन होता है? तो वो इंडिविजुअल जिसके नाम पे वो पेटेंट रजिस्टर्ड है वो पेटेंट टी है, ठीक है. मोस्ट ऑफन देन नॉट ये पेटेंट टी जो है यही इन्वेंटर होता है, ठीक है. जो भी इन्वेंटर है उस इन्वेंशन का वही रजिस्टर्ड पेटेंट टी भी होगा. लेकिन कुछ केसेस में जहां एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, फॉर एग्जाम्पल, तो अगर एम्प्लॉय ने अगर कोई इन्वेंशन किया है तो उसका रजिस्टर्ड मतलब वो रजिस्टर्ड किसके नाम पे होगा? एम्प्लॉयर के नाम पे. तो ऐसा भी होता है, ठीक है. बट मोर ऑफन देन नॉट जो इन्वेंटर है इन्वेंशन का वही पेटेंटी होता है,
ठीक है, तो ये जो पेटेंट ही है इसके कुछ राइट्स होते हैं। क्या राइट्स होते हैं? इसका राइट होता है अपने पेटेंट को एक्सप्लॉइट करने का, ठीक है, उसको कैसे यूज करना है, किस तरह से सेल करना है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सबका राइट जो है वो उस पेटेंटी का होगा, ठीक है। और अगर कोई और उसकी परमिशन के बिना उसको यूज करे, सेल करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, तो ये जो पेटेंटी है वो उसके ऊपर इंफ्रिंजमेंट का केस कर सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, राइट टू ग्रांट लाइसेंस, परमिशन, ऑथराइजेशन, ठीक है। तो ये जो पेटेंटी है इसके पास राइट होता है कि वो परमिशन या ऑथराइजेशन दे सकता है या लाइसेंस कर सकता है अपने राइट्स को, या किसी और को परमिट कर सकता है कि वो उसके इन्वेंशन को यूज करे, सेल करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, जो भी है। तो ये राइट जो है ग्रांट करने का लाइसेंस, ये भी किसके पास होता है? पेटेंटी के पास होता है, ठीक है। उसके बाद राइट टू सरेंडर, अगर वो चाहे तो अपने राइट्स को सरेंडर भी कर सकता है, बशर्ते कि उसको एक नोटिस देना पड़ेगा पहले इन द पेटेंट ऑफिस और ऑफिशियल गैजेट में उसको वो नोटिस पब्लिश करना पड़ेगा, सो दैट और जो लोग इंटरेस्टेड हैं उस पेटेंट में वो उसके ऊपर पेटेंट क्लेम कर सकें। तो ये राइट टू सरेंडर भी जो है उस पेटेंट का होता है। राइट टू सू फॉर इंफ्रिंजमेंट, अगर कोई और उस पर्टिकुलर इन्वेंशन को यूज कर रहा है बिना उसके परमिशन के, बिना ऑथराइजेशन के, बिना लाइसेंस किए हुए, तो इन दैट केस द पेटेंटी हैज अ राइट टू इंस्टीट्यूट प्रोसीडिंग्स फॉर इंफ्रिंजमेंट ऑफ दैट पेटेंट, ठीक है। तो ये जो है कुछ राइट्स हैं पेटेंट के। टर्म ऑफ पेटेंट क्या होता है? 20 years, 20 साल तक का टर्म होता है पेटेंट का, ठीक है। उसके बाद 20 साल के बाद ये जो पेटेंट है ये इट विल बी ओपन फॉर एवरीबडी टू यूज, ठीक है। सो ये 20 साल का टाइम होता है कि जो पेटेंटी है या जो इन्वेंटर है वो एक्सप्लॉइट कर ले अपने हिसाब से, मतलब जो भी जितना भी उसको यूज करना है, सेल करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो भी करना है वो उस 20 साल में कर ले। उसके बाद दिस इन्फॉर्मेशन विल बी मेड अवेलेबल टू पब्लिक, सो दैट द पब्लिक कैन ऑल्सो अवेल इट्स बेनिफिट्स, ठीक है। नहीं बशर, मैं बशर्ते बोल रही थी, ठीक है। कब तक क्लास है? ये बस अब खत्म है साक्षी, बस थोड़ा सा बचा है। आई जस्ट रैप इट अप इन लाइक 10 मिनट्स मैक्सिमम, ठीक है। प्रोसीजर फॉर पेटेंट, भाई आपको एक एप्लीकेशन देना होता है वेर यू हैव टू गिव ऑल द इन्फॉर्मेशन कि कौन से फील्ड में आपका इन्वेंशन है, क्या इन्वेंशन है, कैसे काम करता है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो इन्वेंशन है वो कहीं नॉन पेटेंटेबल की जो हमने अभी लिस्ट देखी कहीं उसमें तो फॉल नहीं करता। आपको ये देखना पड़ेगा, अगेन यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो इन्वेंशन है वो नया है, नॉन ऑब्वियस है, उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। फिर आप एप्लीकेशन फाइल करोगे, फिर उस पर एग्जामिनेशन होगा, उस एप्लीकेशन का एग्जामिनेशन होगा। जो पेटेंट ऑफिसर है या जो कंट्रोलर है, अगर उसको कोई ऑब्जेक्शंस होंगे तो वो आपको वो रिपोर्ट इशू करेगा ऑब्जेक्शंस के साथ। आपको उन ऑब्जेक्शंस के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा, मतलब आपको या तो रीजंस देने पड़ेंगे या आपने इन्वेंशन को चेंज करना पड़ेगा उन ऑब्जेक्शंस के हिसाब से। एंड वंस यू डू दैट, अगर वंस ऑल दोज ऑब्जेक्शंस आर रिमूव्ड और रिक्वायरमेंट्स आर कंप्लाइड विथ, इन दैट केस फिर आपको पेटेंट ग्रांट कर दिया जाएगा और उसको नोटिफाई कर दिया जाएगा पेटेंट ऑफिस जर्नल में। कार्तिके, प्रायर इन्वेंटर का कॉन्सेप्ट पेटेंट में नहीं है, ये प्रायर यूजर का कॉन्सेप्ट सिर्फ ट्रेडमार्क में है, ठीक है। किस ग्राउंड्स पे ऑपोजिशन हो सकते हैं पेटेंट एप्लीकेशन के, किस ग्राउंड्स पे ऑपोजिशन हो सकते हैं? अगर उस इन्वेंशन को पहले कभी पब्लिश कर दिया गया है, ठीक है, पहले कभी पब्लिश कर दिया गया है या कहीं और उसको क्लेम कर दिया गया है, ठीक है, तो इस ग्राउंड पे अपोज किया जा सकता है उस एप्लीकेशन को। दूसरा, कि जो इन्वेंशन है इट इज ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ कोई प्रायर पब्लिक नॉलेज, प्रायर पब्लिक यूज, ट्रेडिशनल नॉलेज, मतलब उसका पार्ट है अगर, तो इस बेसिस पे भी उसको अपोज किया जा सकता है। अगर जो इन्वेंशन है वो ऑब्वियस है, उस पे उसमें कोई इन्वेंटिव स्टेप नहीं है, इस ग्राउंड पे अपोज किया जा सकता है। द इन्वेंशन डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन इन्वेंशन विद इन द मीनिंग ऑफ द एक्ट, एक्ट के अंदर जो इन्वेंशन का मतलब है आपका इन्वेंशन उसमें फॉल ही नहीं करता, इस ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट किया जा सकता है, ठीक है। उस इन्वेंशन, उस एप्लीकेशन में अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की है या फिर कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे दिया है, तो इन ग्राउंड्स पे आपके एप्लीकेशन को अपोज किया जा सकता है, ठीक है। वंस अपोज किया जाएगा आपको फिर ऑप्शन मिलेगा, 6 महीने तक का आपको टाइम दिया जाएगा इन ऑर्डर टू गिव योर रीजंस और मेक योर एप्लीकेशन कंप्लाई योर एप्लीकेशन इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स। एंड वंस यू डू दैट तो फिर आपका पेटेंट आपको ग्रांट कर दिया जाएगा, और नहीं तो फिर
इट विल बी जस्ट ट्रीटेड एज इफ यू हैव अबैंडन्ड या फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा. ठीक है, उसके बाद ऑब्लिगेशंस कुछ होते हैं पेटेंटी के, जैसे कि अगर गवर्नमेंट अपने यूज के लिए आपके इन्वेंशन को लेना चाहे तो आपका ऑब्लिगेशन है कि आप अपने इन्वेंशन को यू विल गिव इट टू द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट आपको भले ही रॉयल्टी देगी कुछ यूज करने के लिए, बट इफ द गवर्नमेंट नीड्स योर इन्वेंशन फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पस एंड इफ द गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट्स यू और प्रोहिबिट्स यू फ्रॉम यूजिंग दैट पर्टिकुलर इन्वेंशन, तो आपको वो मानना पड़ेगा. ठीक है, सो ये ऑब्लिगेशन है पेटेंटी के. कंपल्सरी लाइसेंसेस, अगर ऐसा सर्कमस्टांस है जहां पे अगेन या तो आपने जो इन्वेंशन किया है वो शायद पब्लिक तक पहुंच नहीं पा रहा, या फिर पब्लिक को रीजनेबल प्राइस पे पहुंच नहीं पा रहा, या फिर सिचुएशन ऐसी है जैसे कोई नेशनल इमरजेंसी वगैरह टाइप की सिचुएशन है जिसमें गवर्नमेंट के पास ऐसा राइट होता है कि वो किसी और को लाइसेंस दे सकती है आपका इन्वेंशन यूज करने का या रिप्रोड्यूस करने का या मैन्युफैक्चर करने का बिना आपके परमिशन के. ठीक है, सो दिस इज दी कॉन्सेप्ट ऑफ कंपल्सरी लाइसेंसिंग. हाय ट्राजिक. ठीक है, सो yes, that's about that. Revocation of patent. A patent may be revoked in cases where there has been no, अगर आपका जो patent है उसका ऐसे कोई मतलब satisfactory result नहीं रहा public के सामने, public के demand को meet नहीं कर पाया वो patent, तो उस patent को revoke भी किया जा सकता है. ठीक है, अगर defense purposes के लिए आपने कुछ invention किया है तो in that case also हो सकता है कि गवर्नमेंट आपको बार कर दे उसको यूज करने से, या फिर उस पर्टिकुलर इन्वेंशन को पब्लिश करने से रोक दे. ठीक है, तो ये आपको कंप्लाई करना पड़ेगा फिर. सो दीज आर सम ऑब्लिगेशंस ऑफ अ पेटेंटी. उसके बाद ये कंपल्सरी लाइसेंसेस पे एक चीज है, एक स्लाइड है, ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया है कि कंपल्सरी लाइसेंसेस किस केसेस में आपको गवर्नमेंट जो है दे सकती है किसी और को बिना आपके परमिशन के. ठीक है, अगर सपोज आपका जो इन्वेंशन है वो पब्लिक तक नहीं पहुंच पा रहा या पब्लिक तक रीजनेबल प्राइस पे नहीं पहुंच पा रहा, अगर कोई थर्ड पर्सन जाके कंट्रोलर ऑफिस में जाके बोलता है, कंट्रोलर जनरल को बोलता है कि आपका जो पब्लिक आपका जो इन्वेंशन है उस वो फेयरली पब्लिक कंडीशंस को मीट नहीं कर रहा, वो रिलेटिवली रीजनेबल प्राइस पे पब्लिक को मिल नहीं रहा, या फिर इट्स जस्ट नॉट वर्किंग, तो इन दैट केस मे बी दे कुड आस्क द कंट्रोलर जनरल कि हमें लाइसेंसिंग दे दो ताकि हम इन चीजों को सॉर्ट आउट करके हम इस इन्वेंशन को यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो वो इन दैट केस जो कंट्रोलर जनरल है वो बिना आपके परमिशन के किसी और मैन्युफैक्चरर को किसी और को कंपल्सरी लाइसेंसिंग ग्रांट कर सकता है. सिमिलरली सेक्शन 92 जैसे मैंने बताया कि नेशनल इमरजेंसी या फिर सीरियस अर्जेंसी वगैरह का केस हो, इस केस में भी जो कंट्रोलर है वो खुद से सुओ मोटू खुद से वो किसी और को लाइसेंस ग्रांट कर सकता है टू गो अहेड विद द इन्वेंशन बिकॉज ऑफ द सिचुएशन. ठीक है, नेशनल इमरजेंसी या सीरियस अर्जेंसी वाली सिचुएशन है. सो दिस इज वॉट इज मेंट बाय कंपल्सरी लाइसेंसेज अंडर पेटेंट एक्ट. इन्फ्रिंजमेंट ऑफ पेटेंट, अगर अगेन कोई अगर आपके ऑथराइजेशन के बिना आपके पेटेंट को यूज कर रहा है, सेल कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो यू हैव ऑल द राइट इन द वर्ल्ड टू सू दैट अदर पर्सन फॉर इन्फ्रिंजमेंट. ठीक है, अगर आप इन्फ्रिंजमेंट के लिए उसको सू करते हो तो आपके पास रिलीफ क्या क्या अवेलेबल है. मॉनिटरी रिलीफ अवेलेबल है, इक्विटेबल रिलीफ अवेलेबल है, जैसे हमने कॉपीराइट के केस में देखा, जैसे हमने ट्रेडमार्क के केस में देखा, जैसे हमने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन के केस में देखा कि मॉनिटरी रिलीफ अवेलेबल है, सिविल रेमेडीज अवेलेबल हैं ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के केस में, पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट के केस में. पेटेंट के केस में क्रिमिनल रेमेडीज अवेलेबल नहीं है, नॉट दैट आई नो ऑफ, क्रिमिनल रेमेडीज अवेलेबल नहीं है, लेकिन सिविल रेमेडीज वही सारी अवेलेबल हैं जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं ट्रेडमार्क कॉपीराइट और ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस के केस में. ठीक है, क्या है वो रिलीफ, तो पहला पेक्यूनरी रिलीफ या फिर मॉनिटरी रिलीफ, अगर सामने वाले को कोई प्रॉफिट हुआ है आपके इन्वेंशन को यूज करने से तो आप वो प्रॉफिट रिटर्न करने को बोल सकते हो, आप कॉम्पेंसेशन ले सकते हो, अगर आपको किसी तरह का डैमेज हुआ है तो आप उसके लिए कॉम्पेंसेशन ले सकते हो. सो दीज आर सम काइंड ऑफ मॉनिटरी रिलीफ विच आर अवेलेबल टू यू अगर कोई पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट करता है आपका. और दूसरा इक्विटेबल रिलीफ, जहां पे या तो आप प्रिलिमिनरी इंजंक्शन ले सकते हो, सामने वाले को इनिशियली रोक सकते हो आपका पेटेंट इन्वेंशन यूज करने से टिल द टाइम दैट इन्वेंशन इज डिस्प्यूटेड, उस टाइम तक आप सामने वाले को रोक सकते हो आपका इन्वेंशन यूज करने से, या फिर परमानेंट इंजंक्शन, परमानेंटली आप सामने वाले कोर्ट जो है वो एक फाइनल ऑर्डर में परमानेंटली इंजंक्ट कर देगा सामने वाले को फ्रॉम यूजिंग योर इन्वेंशन. ठीक है, सो दीज आर सम रेमेडीज विच आर अवेलेबल टू अ पर्सन जो कि एक पेटेंट ओनर है और अगर उसके पेटेंट को इन्फ्रिंज किया गया है. ठीक है, सो यस, विद दैट वी हैव फिनिश्ड ऑल द फोर थिंग्स जो हमें डिस्कस करना था. सो यस, सो वी हैव फिनिश्ड कॉपीराइट, वी हैव फिनिश्ड ट्रेडमार्क, वी हैव फिनिश्ड ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, एंड वी हैव आल्सो फिनिश्ड पेटेंट.
अगर मेरी इन्वेंशन को कोई थर्ड पर्सन यूज करता है बिना मेरे परमिशन के, सॉरी थर्ड पर्सन यूजेस विदाउट माय परमिशन एंड देन ही गेट्स हर्ट, यू विल बी लायबल फॉर दैट पर्सन. नो यू वोंट बी लायबल. अगर आपकी परमिशन के बिना कोई यूज कर रहा है तो फिर उसके लिए आप लायबल क्यों होंगे? दैट्स द होल पॉइंट, राइट? ठीक है गाइस. सो विद दैट आई विल बी रैपिंग अप दिस सेशन. मेरी अभी 7:30 पे देर इज अ क्लास, देर इज अ स्पेशल क्लास, सॉरी अबाउट दैट. 7:30 पे देर इज अ क्लास ऑन अनअकैडमी ऐप. इट्स अ फ्री स्पेशल क्लास. इट इज ऑन क्रुएल्टी अंडर क्रिमिनल लॉ. ठीक है, क्रुएल्टी अंडर क्रिमिनल लॉ ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं. सो इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन दिस क्लास, यू कैन ज्वाइन दिस क्लास एंड यू कैन यूज अगेन, यू कैन यूज माई कोड लॉयर अप टू अनलॉक दिस सेशन इफ दे आस्क यू टू. एंड यस, सो ये क्लास अभी आज शाम में 7:30 बजे है. इट्स अंडर द नेम अडल्ट्री एंड क्रुएल्टी लेक्चर 2. ठीक है, तो इफ यू यू कैन सर्च फॉर इट एंड यू कैन एनरोल इन टू दिस क्लास. कुछ स्पेशल फीचर्स हैं स्पेशल क्लास के, जैसे कि दोस क्लासेस आर रियली इंटरैक्टिव. वहां पे पोल कंडक्ट कर सकते हैं लर्नर्स के लिए, सो दैट द लर्नर्स कैन अंडरस्टैंड द टॉपिक्स बेटर. रेज अ हैंड का फीचर होता है जहां प्लस सब्सक्राइबर्स जो है वो रेज अ हैंड का ऑप्शन यूज करके दे कैन टॉक टू देयर एजुकेटर्स एंड गेट देयर डाउट्स सॉल्व. उसके अलावा यू गेट नोटिफाइड अबाउट लेसन, अपकमिंग कोर्सेज, रिकमेंडेशन, सो दैट यू नेवर मिस अ क्लास. एंड दोस रिकमेंडेशन आर क्यूरेटेड जस्ट फॉर यू सो दैट यू नेवर मिस अ क्लास. यू कैन डाउनलोड लेक्चर नोट्स एंड गेट एक्सेस टू रिकॉर्डेड लेसन. ऑल्सो एनी टाइम एनी वेयर आपको ये क्लासेस का एक्सेस मिलेगा. किसी भी डिवाइसेस पे आप ये क्लासेस देख सकते हो. ठीक है, सो एक सेकेंड, आईपीआर में 4 पार्ट्स हैं जो हमें क्लैट के लिए पढ़ने हैं. हार्ट प्राजिक, यस, ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो आपको क्लैट के लिए पढ़ने हैं. क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर आता है. जी हाँ, ये ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर आता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट. ठीक है, इस पर भी मेरी स्पेशल क्लासेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं ऐप पे. अगर आप चेकआउट करना चाहो तो देर आर फुल फ्लेज्ड सेशंस ऑन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन, सब अवेलेबल है. सो इफ यू वांट टू चेक दैट आउट, यू कैन चेक दैट आउट. ऑलराइट, सो विद दैट गाइस, लेट मी जस्ट रैप अप दिस सेशन एंड से थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जिन्होंने भी ज्वाइन किया इस सेशन के लिए. थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम एंड स्टेइंग विद मी थ्रू आउट दिस सेशन. एंड ऑल्सो गाइस, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन अगर कुछ भी हो, एक सेकेंड, किसी भी तरह का अगर कंफ्यूजन हो तो यू कैन आस्क दैट या तो नेक्स्ट सेशन में, या फिर यू कैन फॉलो माय टेलीग्राम चैनल नेहा सिंह अनअकैडमी लॉ. दैट इज माय टेलीग्राम चैनल. यू कैन ज्वाइन दिस चैनल एंड यू कैन बी अपडेटेड अबाउट माय अपकमिंग सेशंस, अपकमिंग लेसन्स. सो या विद दैट आई विल टेक योर लीव. थैंक यू सो मच. आपने उसमें सिर्फ थेफ्ट, डकॉइटी, रॉबरी, एक्सटॉर्शन किया है तो हाँ, तो ट्रैफिक और भी मतलब और भी जो है टॉपिक्स अंडर ये ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, तो आप देख सकते हो वो यहाँ पे भी यूट्यूब पे भी. अभी कृति मैम उसकी क्लासेस ले रही हैं, सो यू कैन वॉच दो सेशंस. एंड मेरी भी क्लासेस हैं, वो स्पेशल ऐप अनअकैडमी ऐप पे फ्री स्पेशल क्लासेस अवेलेबल हैं, तो आप वो भी देख सकते हो, वॉट एवर सूट्स यू. ठीक है, so thank you so much for joining guys. Take care all of you. See you very very soon, hopefully at 7:30 or nahi to kal. Take care, bye.